सारा मतलब दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिकर धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो दो घुट, नशे के मारो रस्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो दो घुट, नशे के मारो गम तुम भुला दो सारे संसार के। Asking for anything, I can give you everything, रस्ते भुला दो सारे घर बार के। Asking for anything, I can give you everything, गम तुम भुला दो सारे संसार के। हो जा जरा मतलब दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अरे सब सो गए क्या, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई दिख रहा क्यों नहीं? अरे 21 डेज वाले सब भाग गए क्या? अरे है क्या कोई 21 डेज में? है सिर्फ प्रनीता मैम दिख रहे हैं। यस थम्स अप बताया, आमिर सर ने बताया, विशे सर ने, वेरी गुड। दो ही लोग हैं, बाकी लोग कहाँ गए? मुझे तो दिख रहे नहीं। यस रूपाली मैम, सुषमा मैम, वेरी गुड। और कोई है 21 डेज में? यस ललिता मैम दिख रहे। अरे आराम आराम से दिख रहे, मेरा आवाज आ रहा है सर?
यस यस ओके। मुझे ऐसा लगा कि मेरा आवाज नहीं आ रहा है, कुछ वीडियो स्टक हुआ ऐसा लगा है। और ये कैमरे क्यों बंद है भाई? आज का तो आखिरी सेशन है 21 डेज का, आज तो कैमरा ऑन कीजिए। हर एक के कैमरे ऑन चाहिए आज, है ना? क्योंकि आप लोगों ने 21 डेज वेट लॉस मैराथन में हिस्सा लिया है, और आज का जो सेशन है ओपन अप, आप सुनना है, आपको ध्यान रखना है और ध्यान से सुनना है और लिख के भी लेना है। सो सभी को मैं, और ये सेशन कब चालू होगा? जब तक आपके कैमरा ऑन नहीं होते। ओके, सो सभी के कैमरा ऑन चाहिए। जब आपका कैमरा ऑन रहता है ना, तो आपका आप एक ही काम करते हो, है ना? आपका कंसंट्रेट रहता है। ओके, कंसंट्रेट रहता है आपका पूरा कॉल पे। नहीं तो कैमरा बंद है तो फिर क्या, अभी टाइम तो खाने का हुआ है, तो हम लोग इधर काम भी करेंगे, इधर चपाती भी बनाएंगे, ठीक है? जो अभी जिनको यानी का जनसा नाइलाज असल की गोष्ट वेगी, लेकिन जिनके पास ऑप्शन है वो अटेंटिव बैठना है और सबने कैमरा ऑन करना है। ओके, नेटवर्क इश्यू है सर मेरा क्या? आपका अश्योर है मैम? आपका है क्या? मेरा आवाज आ रहा है कविता मैम? आ रहा है? यस अश्योर है मैम, थोड़ा सा फिर से रिज्वाइन कीजिए आप। ओके, यस, सभी ने मुझे नोटबुक बताइए जो आपने 21 डेज में आज का आपका सेशन है। यस, मुझे अर्चना मैम बता रहे। अर्चना मैम, ये कितवा सेशन है आपका 21 डेज का? चौथा है सर। चौथा है आज का? चौथा है, एक मिस कर दिया आपने। ओके, नहीं, पांचवा है सर, पांचवा है। आज का पांचवा है ना? हाँ, यस यस यस। दिनचर्या, और दूसरा? फाइव पिलर, यस राइट, EMIW सेशन, वेरी और गुड। हे मिल मिल प्लान, प्लान ते फैट और वेरी गुड, फाइबर, फाइबर, वेरी गुड। हाँ, और और लास्ट आज आज का का कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटीन्स, हाँ, वेरी गुड। क्या बात है, वेरी गुड अर्चना मैम। यस थैंक यू आप, सर। यस आप सीरियसली कर रहे हो और आपको मजा भी आ रहा है। यस वेरी गुड, क्या बात है। यस ललिता मैम, यस सर, क्या गुड 21 दिन में मॉर्निंग। क्या लगा? फर्स्ट टाइम आपने पार्टिसिपेट किया है, हाँ, फर्स्ट टाइम किया है सर। क्या लगा आपको ये? अभी आज मेरे ख्याल से आज कितने दिन खत्म हो गए, गिन रहे हो गए आप? हाँ, बाहर है सर। कितने दिन हो गए 21 डेज को, आप काउंट कर रहे हो गए? हाँ, 9 तारीख से शुरू हुआ था, लेकिन यस, पहले शुरुआती के सर मराठीत बोलू का? ओ बोला बोला, बिंदास बोला। तिचे 8 दिवस तर मी आजारी होते, बर तरी मग 10 दिवसात झालं, 1 किलो वजन कमी, आणि आता बाहेर गावी मी। बर बर, हाँ, ओके ओके, नांदेड, हाँ, नांदेडला आलेली आहे, पण छान वाटतंय सर। म्हणजे यस आता बाहेर गावी फिरताना नेहमी पाय वगैरे दुखणं किंवा कंबर दुखणं वगैरे असं गुडघे दुखायचे वर खाली करून करून, पण आता ह्या वेळेस खूप फ्रेश वाटतंय। चलो, ओके, यस, ऑल द बेस्ट। अटेंटिव बैठिए, नोटबुक हाँ लेके बैठिए। यस चलो, हमने तो बात की है। और कोई ऐसा है कि जिसको 21 दिन में अमेजिंग रिजल्ट आया है, कुछ ऐसा फर्स्ट टाइम उसने ज्वाइन किया है, ऐसा कोई है? किसको नहीं आया? ओके, किसी को नहीं आया, हैंड रेज कीजिए। ऐसा अमेजिंग रिजल्ट कि यस मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट आया, हैंड रेज कीजिए। वह इसमें भी रिएक्शन में जाके हैंड रेज कीजिए, या नहीं आता है तो ऐसा भी किया तो चलेगा, यानी मेरे समझ में आऊंगा कि समझ जाऊंगा कि उनको हैंड रेज करना नहीं आ रहा। ऐसा कोई है? कोई भी नहीं, ओके ठीक है, कोई बात, कोई बात नहीं। यस प्रनीता मैम, ट्रैवलिंग में होके भी, यस वेरी गुड। यस प्रनीता मैम, गुड मॉर्निंग। गुड यस, क्या लगा मॉर्निंग। आपको ये 15 दिन में? बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, और मेरा 4 kg वेट लॉस हो गया है, ओके, और अच्छा लग रहा है। बहुत ही वेट दिन पे दिन कम होता जा रहा है, तो इसलिए और भी जोश आ गया आपके आवाज में कमजोरी आ गई, आपने क्या खाना पीना छोड़ दिया क्या? है। नहीं, खाना पीना नहीं, ट्रैवलिंग है ना, आवाज की वजह से हो रहा होगा। अच्छा, ओके 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 ओके, आप भूखे तो नहीं रहे ना? नहीं, भूखे नहीं, खा पी के वजन कम हो गया। ओके, खाया है? हो ओके 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 ओके। और
क्या चेंजेस क्या लगा? फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है ना आपने? हाँ, तो क्या कुछ अलग महसूस किया अपने अंदर? कुछ हो रही गड़बड़, कुछ चेंजेस हो रहे अंदर में? हो रहे, बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है और भूख भी नहीं लग रही है, इतना खा पी के भी वेट लॉस हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अभी मैं पुणे से जा रही हूँ घर। ओके, यानी प्रॉपर कहाँ से हो आप? अहमदनगर से। ओके ओके, यस यस, थैंक यू सो मच प्रणीता मैम, यस थैंक यू। यस, चलो हम दो तीन लोगों से इसलिए बात किए कि यार कुछ फर्क हुआ है या नहीं हुआ है ना, ऐसा लग रहा था कि सबके चेहरों से कि यार ये क्यों हमने 21 डेज में पार्टिसिपेट हुए हैं। और काफी लोगों ने, अभी शादी का आज का दिन है, शादी का सीजन है, आज हल्दी लगेगी या शादी भी बहुत से है, सो बहुत से चिटिंग भी कर रहे होंगे और किया भी होगा बहुत से लोगों ने। सो जो आपके आजू बाजू पड़ोसी है, कोई कोच लोग है कॉल पे, तो अपने अपने जो पार्टिसिपेट है उनको जल्दी से मैसेज डालिए, क्योंकि कम पार्टिसिपेट ज्वाइन हुए हैं। आज का जो सेशन है आखिरी सेशन है, अमेजिंग सेशन होने वाला है, जो कि जैसा कि देखिए अटेंटिव रहने का क्या फायदा है। जैसा कि मैं बात कर रहा था किससे, अर्चना मैम से, अर्चना चौधरी मैम एकदम अटेंटिव है पहले दिन से भी, जो कि उनको मालूम है कि कौन कौन सा सेशन है। पहला दिन हुआ था अपना दिनचर्या सेशन, उसमें आपको पता चला था कि क्या खाना है, कैसा खाना है और कैसा फ्यूल लेना है। ओके, सेकंड सेशन हुआ था फाइव पिलर्स क्या है, वो अगर ये फाइव पिलर में से एक भी अगर कम रहता है तो आपका वेट कम नहीं होगा, तो ये भी हम लोगों ने सीखे। देन MIW सेशन, जो कि मिशन आइडियल वेट है, जो कि आपका वेट कैसा मेंटेन रखना है, हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा गौर किया और काफी जानकारी मिली, और वही वेट मैनेजमेंट की वजह से आप 2 टाइम फ्यूल ले रहे हो। ओके, मैनेज कर रहे हो, BMR क्या है, है ना, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, अपना BMR कितना है, हर एक को उस दिन समझ में आया। ध्यान हमने फैट्स एंड फाइबर, जो कि हमारी डॉक्टर टीम है, जो कि एक नंबर, जो कि पूरा जानकारी देती है, जो कि इलनेस इंडस्ट्रीज से होके ये वेलनेस इंडस्ट्रीज में अच्छी तरीके से आप लोगों को गाइडेंस करती है, ऐसे टॉप के टॉप मोस्ट डॉक्टर आपको गाइड करते हैं फैट एंड फाइबर्स, उस पर डॉक्टर रमा मोरे मैन, सॉरी डॉक्टर प्रमोद सर एंड डॉक्टर तेजस्विनी मैम, उन्होंने आपको जानकारी दिया। देन आज का सेशन अमेजिंग, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा आज के सेशन में। और आज का जो सेशन लेने चाह रहे हैं एकदम स्मार्ट पर्सन, एकदम जो कि सिंगम है ना, जो कि हमारे, जो कि जेंट्स पर्सन है, हमारे दिलों की धड़कन है, जो कि हम उनको लाइक करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को, उनके बातों को हर एक गौर करते हैं, जो कि छोटी छोटी बातें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, ऐसे स्मार्ट और हैंडसम कोच है, जो कि आप लोग परिचित है, डॉक्टर रामा मोरे मैडम वो भी है, वो भी गाइड करते हैं। तो उनके जो बॉस है, हस्बैंड है और डॉक्टर है, दोनों मिलके अच्छा सेवा करते हैं, यानी जन जो कि एक जनता की सेवा ही करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है और खुद का प्राइवेट उनका हॉस्पिटल है बड़ा बिग, जो कि परंडा डिस्ट्रिक्ट से, उनका परंडा से है उन्हों, और एक इलनेस इंडस्ट्रीज में, जो कि वेलनेस इंडस्ट्रीज में अच्छा, उनका भी ज्यादा दिन हुए नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनके नॉलेज से सबको एक क्या बोलेंगे, अच्छा नॉलेज दिया है, डिलीवर किया है। तो ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग वेलनेस कोच आज आपको डिलीवर करेंगे। सबने अटेंटिव बैठना है, कैमरा ऑन करके बैठना है, क्योंकि आपके घर पे अगर कोई मेहमान आता है तो हम लोग दरवाजा खोल के रखते हैं। ओके, तो कुछ लेना है तो आपको उतना डेडिकेशन बैठना पड़ेगा, उतना आपको ध्यान से रहना पड़ेगा। सो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आपको पूरा डिलीवर करना है, और हमारे जो आज के जो गेस्ट स्पीकर है वो भी आ चुके हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। हमारे स्ट्रॉन्ग वेलनेस कोच मिस्टर डॉक्टर आनंद मोरे सर, स्टेज इज योर्स सर। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल, थैंक यू जगदीश दादा म्हणजे आपल्या फोरमचे काय म्हणू आपण त्यांना, की भीष्माचार्य आहेत, की जे सगळ्यांना योग्य मार्गदर्शन करतात आणि योग्य सगळ्या पद्धतीने ठेवतात। आणि थँक्यू, मी कहना चाहूंगा इस फोरम के सर्वे सर्वा भारती मॅडम अँड चंद्रशेखर मस्के सर,
कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों की सेवा करने की। और मैं शुरू करने से पहले कहूंगा कि भिन्न असुद्या भाषा, भिन्न असुद्या वेश, एक संस्कृति, एकच गाने, भारत आमचा देश। तो वैसे ही मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा, या मैं आपका सब लोगों का कौतुक करूंगा। क्यों कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने, आई एम ऑडिबल ना सर, यस, कि आप सब लोगों ने जो बोलते ना हम कि हेल्थ के बारे में सब जागरूक है यहाँ पे। और जैसा ईगल पक्षी रहता है कि जिसके 150 बरस के काल में वो खुद के कुछ एक 40-45 बरस हुआ कि खुद को एक जगह के एक 6 महीने के लिए बंद कर देता है, खुद के नाखून निकालता है, बाला जो भी है पंख निकाल देता है, सब कुछ चोच फोड़ देता है, फिर बाद में उसको नया ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। 6 महीने के बाद जब वो निकलता है, जैसे सांप भी अपने आंख के ऊपर की काट निकाल के देखे सब अच्छा बनता है, वैसे ही आप सब लोगों ने ये जो पार्टिसिपेट किया है वेट लॉस मैराथन में, इसमें सही में पहले दिन से लेके जब लास्ट दिन में आप यहाँ से होकर गुजरोगे तो पूरा आपके इसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों दृष्टि आप बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग बनने वाले हो, इतना मैं आपको कहूंगा। और आप हेल्थ के प्रति जागरूक हो ये देख के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ आपसे। तो मैं खुद डॉक्टर आनंद मोरे हूँ, मैंने भी आपकी तरह ही इस फोरम पे ज्वाइन होने के बाद 4 बार मैंने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया था, और जिसकी बदौलत कि मेरा 87 वजन भी अभी 71 केजी है, जो 67 पे आया था, लेकिन अभी वो बढ़ के वो 71 पे हो गया, कि मेरा अच्छा मसल मास जो है वो गेन हुआ है। तो थोड़ा टेक्निकल इसकी वजह से मैं बड़ी स्क्रीन होने के बाद दिख रही नहीं, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। फिर से सर उसको क्लोज करके फिर से शेयर कीजिए सर। जी जी यस हो जाएगा। तो स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा मुझे, फिर शुरू करना। स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर कीजिए। यस यस सर, परफेक्ट। यस तो हम यहाँ पे जैसे ही फोरम पे ज्वाइन हुआ था, तो मैंने जो अभी मैं इलनेस पे काम करता हूँ, मेरा एक 40-bed का हॉस्पिटल यहाँ पे है कि जिसमें मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोल के हम काम करते हैं, डॉक्टर मैडम और मैं। और फिर बाद में इस फोरम से हमने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला के, जैसे हम बोलते ना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वैसे ही टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर हैप्पियर के लिए हम इस फोरम से जुड़ चुके हैं। तो वैसे ही इसमें काम, तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व सुधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांसिर तोते लाहो प्राणी जात। तो हमारे ऐसा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हम खुद यहाँ पे काम करते हैं, उसके साथ में यहाँ पे उपजिला रुग्णालय परंडा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर भी एक आयुष मेडिकल ऑफिसर बोल के गए, 13 साल से मैं काम करता हूँ। तो इलनेस इंडस्ट्री में हम करते हैं बाय प्रोफेशन काम, लेकिन अभी इस बात जुड़ने के बाद जब हमारी आँख खुली कि हेल्थ के बारे में जो कोई भी डॉक्टर रहता है वो बीमार लोग पढ़ना नहीं, उसके ऊपर जो काम करता है वही डेकोर यानी मार्गदर्शक बोल के सच में डॉक्टर रहना चाहिए, कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रशनम, वैसे ही हम लोगों की अभी हेल्प करने के लिए शुरू किया है। तो ये हमारे मॉन्टर्स है, उनको पहले मैं नमन करूंगा, क्योंकि उन्होंने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला के जो खुद में अच्छाई पाई है, सब डिसीजन से ही उनको गिफ्ट में वो सब कंट्रोल में आए और फिट एंड फाइन लाइफ जी रहे। तो वो खुद में लाने के बाद वो दूसरों को भी फिट एंड फाइन करने की कोशिश करते, इसकी वजह से हम भी ऐसे ही हमारे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था। पहले तो ये फोरम मैडम ने ज्वाइन किया था, 6 महीने में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से 12 किलो पहले 2 महीने में वजन कम किया था, फिर बाद में वेस्ट लाइन उनकी कम हुई थी, उनकी हालत देख के फिर मैंने ये 6 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया, और मैंने भी खुद में बहुत अच्छी तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जैसे देखिए कि हमारा परिवार और पूरे होल परिवार का हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले तो हमारा छोटा बच्चा बड़ा दिखता था, बड़ा बच्चा छोटा दिखता था, तो एक ही थाली में खाना खा के ऐसी चीजें होती थी, लेकिन इस परिवार में जुड़ने के बाद जो भी हमें नॉलेज मिला, आपको भी ये 21 डेज में जो भी नॉलेज मिला है वो खाली अपने ये जिंदगी भर के लिए, ये शिदोरी है कि आपको कि ये आपके मरते दम तक ये काम आने वाला है, जैसे कैलोरी मैनेजमेंट वगैरह बाकी इधर सब। तो वैसे ही स्किन में भी उनके बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मैडम के भी आया है, और उसके ऊपर हम अच्छी तरह से
काम भी कर रहे हैं। तो ये मेरा देखिए कि कैसी हालत है कि जैसे मैं पहले बहुत यानी दिन रात मेहनत करना, किताबें लिखना, ये सब करता था, सब मुझे पता था लेकिन आचरण नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में आया कि आचरण में कितना इम्पोर्टेंस है, कि खाली लोगों को बताने में कोई मतलब नहीं है, तो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला के जब बताओगे तो उसे ही संत कहलाते हैं, कि जो समाज विकृति का निवारण खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से, खुद के आचरण से लोगों को बताता है वही। तो वैसे मेरी पहली हालत थी जैसे हाथ पाए दिस्ती काड़ा पोटो भाषे जैसा नगारा, वैसे जैसे अपन चुंगम खाते और फेंक के देते टेढ़ा मेढ़ा, वैसी मेरी अवस्था हुई थी। लेकिन अभी इस फोरम के जुड़ने के बाद जो भी कुछ टिप्स मिले वो, और जो भी कुछ मेरा चाय नाश्ता इसके ऊपर कुछ टारगेटेड न्यूट्रिशन अल्टीमेट प्रोग्राम, उसकी वजह से मेरा ये ऐसा चुंगम से लेके सिंगम तक ट्रांसफॉर्मेशन होके मैं हेल्दी फिट और फाइन लाइफ जी रहा हूँ। तो हमने ये ऐसे किताब भी लिखी है इसके बारे में, अभी अपना नया आने वाला किताब जल्दी ही आपको ऑनलाइन ये परचेस करने के लिए मिलेगा, और इसको बहुत सारे लोगों ने भी हमें अच्छी तरीके से आशीर्वाद भी दिए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शरीर है कि जो तीन स्तंभों से बना है, मुख्य जो पिलर रहते हैं शरीर के वो तीन है, क्या है कि जैसे शरीर, मन और आत्मा, ये तीन चीजें, खाली हम शरीर को देखते हैं लेकिन माइंड भी इंपॉर्टेंट और आत्मा भी। जैसे बोलते हैं ना कि समदोषा समाग्निच समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यादि देते, यानी प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये अगर प्रसन्न रहेगा तो ही अपना शरीर फिट एंड फाइन रहता है, और बाकी खाली शरीर पेज नहीं, तो यहाँ पे सब देखा जाता है। फिर उपस्तंभ क्या है जो सब पिलर, तो उसमें आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ऐसा बोला है, तो आहार पे ही ज्यादा ध्यान दे चुके हैं क्योंकि ये इसमें जब पिलर बोले हमें, तो कौन सा भी एक अगर पिलर इधर उधर हो गया तो हमारा शरीर अच्छी तरह से टिक नहीं सकता और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे मॉडर्नाइजेशन से भी बोलते हैं कि डाइट, लाइफस्टाइल और ये, जबकि हम देखेंगे कि अपना जो शरीर है हर वक्त वो जीतते जाता रहता है, यानी शरीर शरीरम, यानी क्षण क्षण को, जो जैसे दिए में तेल जब तक है तब तक दिया जलता रहता है, तो तेल जैसे डालते रहेंगे तो ही दिया चलता रहेगा, वैसे हम शरीर अगर भरण पोषण अपना आहार से होगा तो ही हम टिके रहेंगे। लेकिन वो दिया कौन से तेल लगाने का है, गैसलेट का लगाने का है, क्या डालडे का लगाने का है, क्या घी का लगाने का है, वो अपने इस पे अवलंबन रहता है। यानी क्या बोलते हैं कि आहार प्रभाव देह वस्तु रोग, यानी जो आहार से शरीर हमारा बनता है, लेकिन अगर सही ढंग से अगर हमने आहार लिया तो हमें सुख आरोग्य मिलता है, और अयोग्य ढंग से अगर हमने आहार लिया तो उसी से ही दुख और रोग हमें मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पूरी बॉडी है वो 100 ट्रिलियन सेल से बनी है, उससे भी आगे ये छोटे जो इंजन है वो किसके ऊपर चलते हैं, तो उनको 114 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, जैसे प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, सब हम देखने वाले। तो लेकिन क्या है कि जैसे ही मानव शरीर जो पेशी रहते हैं तो जब उनको कार्य करने के लिए जैसे फ्यूल लगता है गाड़ी को, तो वैसे ही अपने शरीर को कुछ फ्यूल लगते हैं। तो ये कैसा होता है कि देखिए पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ सब क्रिया होते हैं, पृथ्वी सब क्रिया साथी जो उष्णता लगती है वो सूर्य से प्राप्त होती है, लेकिन क्या होता है कि हरित जो वनस्पति रहती है कि वही उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और उसका कन्वर्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और प्रथिने कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस द्वारा वो जो सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक, यानी सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ऐसा करके वो कार्बोहाइड्रेट इसके बारे में वो अपने इसमें रख सकते हैं, और जो प्राणी रहते हैं वो फिर वो वनस्पति के जो फल फ्रूट बाकी के जो भी है वो खाके अपने इसमें अलग अलग नमूने के न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब जो अपना प्लांट का जो बेसिक सेल रहता है क्लोरोप्लास्ट, और जो अपने सेल रहते हैं पेशी अपने मानव के, तो उसमें रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वही रोल करते कि क्लोरोप्लास्ट क्या करते कि सनलाइट ऊपर से लेते हैं, जब हमने छोड़े वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है तो जब वाटर रूट से वो जब ऊपर खींचता है तो वाटर बोले तो हमें पता है कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्लोरोप्लास्ट में वाटर जाता है तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन रिलीज कर देता है और उसमें का हाइड्रोजन रख देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिला के कार्बोहाइड्रेट ये सनलाइट के प्रेजेंस में बना के देता है, फिर बाद में उसका प्रोटीन और फैट्स में भी वो अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर देता है। देखिए कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑटोट्रॉप्स रहते हैं कि जो खुद करते हैं, तो इसमें क्या होता है कैप्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इन द कार्बोहाइड्रेट के रूपांतर में करते हैं, और जो बाकी के फूड प्रोसेस रहता है जो हेटरोट्रॉप्स रहते हैं इनके ऊपर सब डिपेंड रहते हैं। क्या अभी ये देखिए क्या है इसमें,
ये जो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं वहां से हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, फिर हम वो जो हेटरोट्रॉप वो खाते हैं और उससे हमें सेलुलर रेस्पिरेशन से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और H2O वो फिर से लेता है कि ऐसे ये फूड चेन चल रहे थे। ये पंचतत्व सन एयर वाटर ये जो पंचभूतिक सृष्टि है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश इससे प्लांट बनाए फिर वही कंज्यूम करते हैं फिर बाद में कंज्यूमर कॉर्नर ये ऐसा ये फूड चेन पूरी तरीके से होता है। तो वैसे ही हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ से फूड एनर्जी जो लेता है कार्बन और ऑक्सीजन उससे ये कन्वर्ट करके साइकिल चालू रहती है। तो ये थोड़ा बहुत हमें समझना चाहिए। उसके बाद जब हम भोजन के फिर हमें समझ में आया कि कैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा खनिज और विटामिन मिलते हैं तो उससे ही ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें के तो वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचरण एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं जैसे उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स टिश्यू और सेल का निर्माण अच्छी तरह से करते हैं और अलग अलग उनकी जो उपयोगिता है शरीर में उसके ऊपर उनके चार प्रकार जो बनाए रहते हैं कि जैसे ऊर्जा उत्पादक जो है फैट और कार्बोहाइड्रेट देता है, वृद्धि तथा निर्माण जो करते हैं वो प्रोटीन्स करते हैं, चयापचय में जो भी रहते हैं वो विटामिन लवण जो वाटर वगैरह बाकी इसमें, अनुवंशिकता में जो रहते हैं वो न्यूक्लिक एसिड वगैरह बाकी। तो हमें इस बार जो भी देखने का है वो कि जीवों में विभिन्न प्रकार की जो बायोलॉजिकल फंक्शंस रहते हैं जैविक क्रिया शरीर में संचालन करने वाले उनको आवश्यक कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन यही इंपॉर्टेंट है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करना मेटाबॉलिक रिएक्शन चयापचय जो बोलते हैं हम शरीर की टूटफूट और मरम्मत। तो इसमें अलग अलग नमूने के जो भी पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन न्यूक्लिक अम्ल खनिज जल ये तो हमें पता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स are the macronutrients that provides calories or energy to the body. ये macronutrients है, micro यानी कम लगने वाला, macro यानी ज्यादा करके body को लगने वाला। जैसे 42-45% of calories should come from the carbohydrate. हमारे शरीर को जो day to day life जो हम जीते हैं उसमें जो हमें calories मिलते हैं जो energy हमारे पैदा होता है वो calories से तो वो कम से कम 45% तक हमें carbohydrate लगता है दिन में। carbohydrates provides every 4 calories per gram. कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइटल टू योर हेल्थ, वाइटल यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे हमने अभी तक देखा है कि एक प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स से एक ग्राम से हमें 4.2, वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। तो देखिए ये स्लाइड है किसमें कि व्हाई डू वी नीड कैलोरीज, वी नीड अ सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज जस्ट टू फंक्शन। हमारे फंक्शन कैसा रहे कि इवन इफ यू आर नॉट मूविंग यानी हम हलचल भी नहीं करेंगे तो हमारे जो लंग्स रहते हैं वो ऑक्सीजन का लेते हैं छोड़ते हैं, हार्ट कंटिन्यू पंपिंग करता रहता है, किडनी एक्सक्रीट करता है वेस्ट जो हमारे शरीर में बनता है, लीवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन प्यूरिफिकेशन का काम करते रहता है, ब्रेन जो रहता है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता रहता है। तो कंटिन्यू चल रहने की वजह से उनको एनर्जी लगती है। जैसे बाय डेफिनेशन कैलोरी इज द एनर्जी इट टेक्स टू रेज वन कैलोरी, एनर्जी कितनी रहती है, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्युलोज, यानी कम से कम 1 लीटर वाटर का 1 डिग्री सेल्युलोज से वो बढ़ता है। विदाउट सफिशियंट कैलोरी आवर हार्ट वुड नॉट बीट, आवर लंग वुड नॉट फंक्शन एंड ब्रेन ऑल्सो, यानी 1 लीटर पाण्याचे तापमान 1 अंश सेल्सियस ने वाढवण्यासाठी आवश्यक असणारी उष्णता म्हणजे 1 किलो कैलोरी होय। वैसे ही तो कार्बोहाइड्रेट का हमें देखेंगे कि इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन इन विच रेशियो बिटवीन 2:1। तो वैसे ही बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी टेक हीट एंड एनर्जी, उससे ऑक्सीडेशन जब होता है तो वहां से हमें गर्मी और एनर्जी पैदा होती है जो काम करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली मैं तो बोला था ना कि ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इन आवर बॉडी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर, यानी क्या होता है कि इंसुलिन जब इंसुलिन की मदद से वो ग्लाइकोजन ऐसे सीक्रेट होता रहता है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूपांतर में हमारे लिवर में मसल में वहां पे रहता है। और जब क्या होता है कि आवर हार्मोन नेम्ड ग्लूकागॉन फॉर्मड बाय पैनक्रियास कन्वर्ट्स ग्लूकागॉन टू द ग्लूकोज, फिर ये स्टोर किया हुआ कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर को यूटिलाइज करने में मदद कर देता है। कि जैसे हम बार बार खाएंगे तो कैसा होता है कि इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन का संबंध में से इंसुलिन उसको स्टोर कर देता है ग्लूकागॉन में और वो फैट में कन्वर्ट करके रख देता है। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो वो फैट का ही फिर ग्लूकागॉन का ही फिर से वो जो ग्लूकागॉन जो हार्मोन है इंसुलिन का अगदी उल्टा
वो क्या करता है कि जो फैट वहां पे रुका वाला है तो वो फिर से बाहर निकाल देता है। कि जैसे पहले शिकारी जब करते थे हमारे पूर्वज तो बार बार शिकार नहीं मिलती थी, इसलिए जब ज्यादा बहुत खाते थे तो पहले तो इंसुलिन करके उसको फैट में कन्वर्ट करते थे, 4-5 दिन स्टार्वेशन होता तो फिर ये बाद में जो बचा वाला पूरा था वो फिर वो ग्लूकागन उसको निकाल देता था। तो अभी ग्लूकागन सिक्रेटरी नहीं होता क्योंकि हम बार बार खाने में ही ज्यादा करके ध्यान देते हैं और फैटी फूड और बाकी का कैलोरी मैनेजमेंट नहीं करते। इसलिए तो ऐसे देखिए कि पैनक्रियास से जैसे इंसुलिन सिक्रेट होता है ग्लूकागन से, और इधर इंसुलिन जो रहता है पैनक्रियास से सिक्रेट करने वाला वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फैट में कन्वर्ट करके रखता है, फिर ये ग्लूकागन जो रहता है तो वो ग्लाइकोजन जो स्टोर रहता है लीवर में उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, शकरकंद, चुकरकंद जैसे रसीले फल, शलजम, केला, अरबी, मांस इत्यादि जो भी सब है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो ये सभी अलग अलग इसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर उनका सिंपल और कॉम्प्लेक्स इसमें किया है। तो जैसे इंक्लूड शुगर फ्रॉम नेचुरल इनटू द फूड्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, इसमें जो रहता है ना वो सिंपल रहता है, जो खाया कि डायरेक्ट बॉडी में एब्सॉर्ब होता है और शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। वैसे कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है कि जैसे ग्रेन, ब्रेड, सीरियल्स, स्टार्च, वेजिटेबल्स, लेजुमेंस, जिसको अच्छी तरह से के पचाने के बाद ही हमें वहां से लॉन्ग टर्म ये मिलता है, जैसे सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब। देखिए आपको इसमें फर्क समझ में आएगा देखने के बाद कि झट से एनर्जी कौन देता है और ये, लेकिन जो सिंपल कार्ब रहते वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रहते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब जो रहते वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रहते हैं, इसलिए वहां पे इंसुलिन कम सीक्रेट होता है, सिंपल में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो शरीर को ज्यादा करके अपाय भी हो सकता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन फूड सच एज फ्रूट, मिल्क और वेजिटेबल, देखा है हमने क्या कैंडीज वगैरह बाकी ये सब। फिर बाद में सिंपल और ये दोनों में भी आपने ये देख लीजिए कि सिंपल में क्या क्या आता है क्या नहीं। तो कॉम्प्लेक्स में कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। इसमें फूड सच एज ब्रेड, लेजुमिन, राइस, पास्ता एंड स्टार्च वेजिटेबल्स कंटेंट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की जो पचने में देर तक करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या आते हैं कि रास्पबेरी, ब्लैक बीन्स, होल ग्रेन्स, प्लैनेट जैसे ब्राउन राइस, पिंटो बीन्स, जो भी है बनानास, पोटैटोज, पोटैटोज है लेकिन उससे जो फ्राइड करके बाकी बनाते हैं वो सिंपल का कॉम्प्लेक्स में नहीं आता, वो इसमें आता है होल ब्रेड्स और ये भी सब आ जाते हैं। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था कि जो भी सिंपल कार्ब्स है वो इमीडिएट एनर्जी देते हैं, इजियर टू डाइजेस्ट रहता है, उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा ये नहीं लगता, ज्यादा करके स्वीट रहते हैं, और फ्रूट और मिल्क ये ज्यादा करके सिंपल कार्ब में आते हैं। कि जैसे हमारे इसमें जो हम शेक लेते हैं तो शेक में वे प्रोटीन रहता है कि जिसकी वजह से वो मिल्क से बना वाला रहता है, तो वो जल्दी से झट से इमीडिएट एनर्जी हमें देता है। और दूसरा जो रहता है प्रोटीन वो है सोया प्रोटीन कि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब रहता है कि जो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट स्टार्ची होल ग्रेन्स एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स। तो वैसे ही ये काम करता है। तो गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स ये हम अभी देखने वाले तो है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट जो फंक्शन के रूप में केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने देखा था, लेकिन वो शरीर में जो काम करते हैं उसके ऊपर भी उनके जो प्रकार किए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सर्व सेवरल कीज फंक्शन इन योर बॉडी, दे प्रोवाइड यू विद एनर्जी फॉर डेली टास्क एंड आर प्राइमरी फ्यूल सोर्स ऑफ योर ब्रेन हाई एनर्जी डिमांड। क्योंकि ब्रेन हमारे जो ज्यादा करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बहुत सारी डिमांड करती है तो उसको प्रोवाइड करता है, और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का ही जो पार्ट है जो फंक्शन तो इज अ फाइबर। जैसे फाइबर के बारे में हमने डॉक्टर टीम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जिसमें डाइजेस्टिव हेल्थ और हार्ट डिसीज और डायबिटीज के ऊपर भी वो अच्छी तरीके से काम करता है। कि जैसे हमने देखा है कि अभी कार्बोहाइड्रेट में ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत होते हैं, ये मंद के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं, यह वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करते हैं यानी इंसुलिन की इसमें फैट में कन्वर्ट होकर रुकते हैं, फिर बाद में जब चाहे वो बाहर निकलते हैं। यही डीएनए और आरएनए का भी घटक होते हैं, शर्करों के रूप में ऊर्जा उत्पादक के लिए ईंधन का काम ये करते हैं, ये प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं। फिर भी अलग अलग रूप के इसके भी एक थोड़ा सा हमें पता चाहिए, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ के शुगर, स्टार्च और फाइबर ऐसे भी इनके कुछ प्रकार है।
जैसे शुगर में हम देखें क्विक कन्वर्ट होता है, स्टार्चेस में थोड़ा थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन जो फाइबर के रूप में कार्बोहाइड्रेट है वो कांट बी डाइजेस्टेड और यूज फॉर एनर्जी, ये उसी तरह से काम करते रहते हैं। और जो भी है वो कोलेस्ट्रॉल, बाकी का जो अनवांटेड फैट है, ये सब निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो वैसे ही प्रकार में हमने देखे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो जो एक मॉलिक्यूल से बनता है उसे अधिक सरल मोनोसैकेराइड कहते हैं, जो दो मॉलिक्यूल अलग अलग सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज बोल के होता है उसे डाइसैकेराइड, और जो भी अलग अलग एक से दो से लेके दस तक ऐसे अलग अलग होते हैं उसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। ये खाली कान परिंदों के ऐसे भी उसके प्रकार होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट आर द बॉडीज सेंट्रल सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स है। All of the tissue and cells in our body use glucose for energy. Good carbs helps to reduce the risk of cardiovascular disease. Good carbs help to control weight by helping to feel full on fewer calories. वैसे बोला है कि वेट कंट्रोल करने में मदद कर देता है, लेकिन कब, जिसका हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे सिंपल से ज्यादा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट्स आर नीड फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किडनीज, ब्रेन एंड द मसल टू फंक्शन प्रॉपरली, supports mental and physical activities. Carbohydrates are important in intestinal health and waste elimination. जैसे carbohydrate का part fiber है, वो इसको important है। जैसे benefit में applied moods, यानी हमारे nervous system को अच्छे तरह से nutrition देने से वैसे mood अपना अच्छा रहता है, provides fibers to the body, prevents blood clots जो रहते हैं हमारे नहीं बनते, improve the digestive system, बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर एथलीट्स, यानी डे टू डे काम करने के लिए भी हमें ये अच्छी तरीके से मेमोरी शार्प रखता है, यूजफुल टू कंट्रोल वेट, हेल्प टू प्रिवेंट डिसीजेस अलग अलग नमूने के, हेल्प टू स्लीप बेटर, एनर्जी फॉर द बॉडी। तो वैसे हमने ये अभी देखा है कि क्या क्या ये कर सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट कमी की वजह से ऐसी थकान हमें आ जाती है, देखते हैं कि हमें बहुत दुख काले में दोपहर में कैसी अपनी अवस्था होती है, जब हम हाइड्रेट लेते हैं, स्किन बूस्टर लेते हैं, अफ्रेश लेते हैं, तो फिर बाद में हमें ये अच्छे तरीके से हमें मदद मिलता है। और अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से भी क्या होता है कि बार बार तो इंसुलिन सीक्रेटोज को ग्लूकोज का कन्वर्शन फैट में करके अधिक मोटापा हमें ऐसे बढ़ाने में मदद हो जाती है। यानी ईट कार्ब्स, कन्वर्ट टू ग्लूकोज, यानी प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी शरीर में प्रोड्यूस हो जाती है। और जब इंसुलिन सीक्रेट होता है तो मैंने बोला था कि ग्लूकोज इंसुलिन कनेक्शन जिसमें इंक्रीज द फैट स्टोरेशन होता है, स्टॉप फैट बर्निंग, इसलिए और बर्निंग फैट भी कम होता रहता है। इसलिए हमें वर्कआउट भी अच्छा चाहिए और खान पान का जो भी हमें इसके ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट का जो है रहता है वही अगर अच्छा लेंगे तो हमें फिट एंड फाइन हमें ये मिलता है। और ये समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अगर रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट इनटेक, रिड्यूस सर्कुलेशन टिंग जो बोलते हैं ना, इंसुलिन कम हो जाता है, अगर रिड्यूस लिवर फैट, रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो भी टाइप 2 डायबिटीज में जो रहता है कि जो फैट कन्वर्ट होके हर फैट किसी हर एक पेशी पे, हर एक ऑर्गन पे, जैसे विसरल फैट, बॉडी फैट, उसकी वजह से जो भी इंसुलिन का काम रहता है कि वो जो बोलते हैं ना सेल, उसके ऊपर चावी का काम करता है जो खोलता है, फिर बाद में इंसुलिन अंदर जाता है, फिर वहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन जाके वहां पे अच्छे तरीके से वहां का न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी पैदा होता है, लेकिन वो ही होना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से अच्छा अगर कार्बोहाइड्रेट लेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो ये रिड्यूस पैनक्रियास फैट और इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन अच्छे तरीके से, और टाइप 2 डायबिटीज भी इसमें रिवर्स होता है। तो बैड कार्बोहाइड्रेट वर्सेस गुड कार्बोहाइड्रेट, तो जैसे हमने बोला कि गुड जो है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, स्टार्ची वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन्स, और जो भी बैड है वो सोडा, व्हाइट पास्ता, व्हाइट राइस, शुगरी सीरियल्स, जैसे हमने बोला है कि वो कि जैसे पांच भूतों से दूर रहो, ऐसा हमारे मील प्लान में बोलते हैं कि जैसे उसमें मैदा है, शक्कर है, दूध है, फिर बाद में साबुदाना है, नमक है, इससे भी हमें थोड़ा सा दूर रहने के लिए बोला जाता है हमारे इसके फॉर्म पे। कार्बोहाइड्रेट लिस्ट ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट, ये देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ऑल वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, स्टार्ची, जो लेजुमस है, नट्स है, जो नट्स में आलमंड, वॉलनट, हेजलनट वगैरह, बाकी सीड्स में चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, होल ग्रेन्स में ओट्स है, ओट्स आप कर सकते हैं जिससे कि अच्छा वेट कंट्रोल होता है, क्विना, ब्राउन राइस, अगर क्रेविंग हुए तो हम ओट्स खा सकते हैं, ट्यूब्स जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये है ये लिस्ट ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट। अभी लिस्ट ऑफ बैड कार्बोहाइड्रेट्स में देखेंगे आप कि शुगरी ड्रिंक जो है
कोक है, पेप्सी, स्प्राइट, ये भी जो हम लेते हैं ये तात्काल तो ठीक लगता है लेकिन उसमें जो शुगर इतने हाई मात्रा में रहता है कि उतना इंसुलिन वो सिक्रेट कर देता है, फिर बाद में ये शरीर को बैड क्षणिक सुख लगता है लेकिन वो बहुत देर के लिए तकलीफ देता है। रेडीमेड फ्रूट जूसेज जो रहते हैं वो भी हमारे मेटाबॉलिक इफेक्ट जो रहता है हमारे शरीर के ऊपर और उसमें जो बीवरेज वगैरह डाले जाते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म बिगड़ देते हैं। व्हाइट ब्रेड जो रहता है देर आर रिफाइंड कार्ब्स दैट आर लो इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड बैड फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ, यानी मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उतना ज्यादा नहीं रहता उसमें, टेस्ट के लिए अच्छा लगेगा। पेस्ट्री, कुकीज और केक्स ये भी जो है कि हाई इन शुगर एंड रिफाइंड व्हीट, यानी इसमें मैदा ज्यादा रहता है और शुगर भी ज्यादा रहती है उसकी वजह से यह हमें ज्यादा तकलीफ देता है। आइसक्रीम भी रहते हैं वो वेरी हाई इन शुगर रहते हैं और झट से तो हमें ये देते हैं लेकिन बार बाद में वो तकलीफ हमें वेट बढ़ाने में मदद करती है। तो कैंडीज एंड चॉकलेट जो रहते हैं उसमें खाली हमने डार्क चॉकलेट अगर लिया तो ठीक है वो भी टाइम पे। फ्रेंच फ्राइड और पोटैटो चिप्स, यानी होल पोटैटो अच्छा है लेकिन उससे जो फ्राइड फ्रेंचेस जो चिप्स वगैरह बाकी बनाए जाते हैं ना तो वो हमें तकलीफ देते हैं, जैसे ग्रेट कार्ब, गुड कार्ब एंड बैड कार्ब, ये बार बार में ये आपको समझ में आने के लिए बता रहा था। तो अभी हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है तो हम अगला जो है प्रोटीन के बारे में देखेंगे और प्रोटीन होने के बाद जो भी कुछ क्वेश्चन और आंसर देते कि हम वो देखने वाले हैं कि जैसे हम सब ने जो अपना मिशन है बॉडी अंडर कंस्ट्रक्शन माइंड ऑन ए मिशन, जैसे डोंट कंप्लेन एंजॉय द पेन, योर सक्सेस इज ओनली लिमिटेड टू योर ओन इमेजिनेशन एंड योर हार्ड वर्क, जैसे हमारे मार्च ह्यूज सर बताते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट हुआ है कि जिसमें हमने अच्छी तरीके से देखा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, बाकी का ये भी है। तो वैसे ही अभी हम प्रोटीन के बारे में जानने वाले हैं। तो जिसको भी कुछ आफ्रेश लेने का है, थोड़ा स्किन बूस्टर और डिहाइड्रेशन अगर हुआ हो तो का ये भी लो। हाँ वैसे तो ब्रेक में मैं दादा को बोलने वाला था कि 2 मिनट का कौन सा तो गाना लगाओ, फ्रेश हो जाएंगे लोग, फिर बाद में प्रोटीन शुरू करते, फिर भी हम शुरू करेंगे आगे ज्यादा पहले दिन में। तो प्रोटीन में देखिएगा, यस यस लगाएंगे सर, लगाएंगे, थोड़ा सा आप अप्रेश पी लो सभी। ओके और जैसे सर ने बताया है किसी को अगर कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड कुछ क्यूरीज है तो उन्होंने हैंड रेज करके रखना है, यानी ये पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। तो आपको भी ध्यान में रहेगा कि हमने क्या क्वेश्चन पूछना है क्योंकि अभी प्रोटीन चालू होने वाला है। सो किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके तब तक मैं एक बढ़िया सा गाना सर के लिए भी लगाता हूँ। ओके किसी का देखिए हैंड रेज कीजिए अगर किसी को कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ पूछना है। ओके एक्चुअली सर के लिए स्टार्ट में ही सॉन्ग लगाना था लेकिन थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट हमने सभी ने चालू किया इसलिए वो रह गया। ओके सबका सोर्स जो है मेन वो सोलारी एनर्जी है, यानी सूर्य एनर्जी से, सूर्य की उष्णता से हमें सब कुछ होता है, वो कैसे हो जाता है और फिर जो भी हम खाना खाते तो खाने से नहीं होता, तो उसमें जो न्यूट्रिशनल घटक है तो वो न्यूट्रिशन से हमारा शरीर एनर्जी मिलती है, जैसे गाड़ी को अच्छा फ्यूल लगता है वैसे वहां से अच्छा फ्यूल अगर हमें मिल गया तो हमारा शरीर फिट एंड फाइन रहता है और बहुत दिन तक उसके ऑर्गन और अच्छा काम करते हैं ऐसे ही। तो वैसे हमारे फ्यूल में बाकी चाय में और ये जो बाकी हम लेते हैं तो उसमें वही हाई क्वालिटी फ्यूल रहता है, प्रोटीन्स रहते हैं, बाकी उसमें कार्बोहाइड्रेट जो भी अपने को लगता है तो उसका पूरा तरीके से सही में उसका मिश्रण बना के हमें दिया गया है, उसकी वजह से उन लोगों को नोबेल पारितोषक विनर वहाँ पे सब हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर लोगों की टीम भी वहाँ पे है कि वो बार बार फिल्ट्रेशन करके हाई क्वालिटी हमें ये सब देते हैं, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन। सर आपका स्क्रीन स्टॉप कीजिए ना जी, मैंने सॉन्ग निकाला था आपके लिए, एक थोड़ा सा सभी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ओके अभी थोड़ा सा आप लोग थक गए होंगे। ओके थोड़ा सा सबने क्या प्रैक्टिस करना है, अभी क्या प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा हाथ ऐसा करो सभी लिख के थोड़ा सा थक गए होंगे है ना, तो ऐसा ऐसा करो
ऐसा ऐसा सबने ऐसा ऐसा करना ऐसा ऐसा कीजिए कीजिए ऐसा सबने करना है, किसी ने रुकना नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है, आपका हाथ दुखना बंद हो जाएगा और आप कंटिन्यू एक्चुअली ये सॉन्ग आपके लिए ही था क्योंकि बहुत जनों के हाथ दुख गए होंगे लिख लिख के दो पेज चार पेज छह पेज है ना, तो थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज किया हमने। ओके सो लास्ट में हम गाना लगाएंगे सर के लिए, सो सर कंटिन्यू। यस यस थैंक यू जगदीशा, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मूड पे लाए, तो हम अगले ही इसके ऊपर ही करेंगे स्टार्टिंग स्क्रीन स्टॉप अदर पार्टिसिपेंट कंप्यूटर सॉन्ग स्टॉप करता हूं। हां यस 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 अभी शेयर कीजिए जी। यस तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, जब हमारा अभी प्रोटीन सेशन शुरू होने वाला है तो पूरा माइंड बॉडी हमारी रिलैक्स हो गई है, तो हमें प्रोटीन सबसे बढ़िया जो हम प्रोटीन शेक लेते हैं और ये सबसे लास्ट में आ रहा है, तो हमें इसलिए अलर्टनेस चाहिए था, एकाग्रता चाहिए थी, उसकी वजह से थोड़ा सा रिफ्रेश हमने जगदीश दादा ने किया है, तो उनका धन्यवाद करके मैं आगे निकलता हूँ। तो प्रोटीन पाउडर जब बोलते हैं कि ये प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिली यस ने किया था, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इसमें नाइट्रोजन ज्यादा करके पाया जाता है, कि जो नाइट्रोजन है जो हमारे शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है और हीट पैदा करके जो छोटे छोटे वेसल्स रहते हैं वो डायलिटेशन का भी अच्छी तरीके से काम करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, जैसे शरीर की वृद्धि शरीर की मरम्मत जैविक क्रियाओं जो रहते हैं तो उससे शरीर की मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन हो जाता है। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानवीय शरीर का लगभग 15 भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वैसे हम देखेंगे तो व्हाट इज प्रोटीन, तो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट्स मेक यू इनटू हु यू आर, जो भी कुछ हम है जो बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारे बने वाली बॉडी है ये बाकी की सब है, तो ये प्रोटीन से ही बनते हैं। डू ऑल काइंड ऑफ जॉब्स इन योर बॉडी, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने का रहेगा तो उसमें जैसे वीट सीमेंट वालू ये जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं वैसे ये प्रोटीन हमारा स्ट्रक्चर पूरा बना देता है। मेक अप योर हेयर्स नेल्स बोन्स मसल्स आल्सो गिव टिश्यू एंड ऑर्गन्स देयर शेप एंड स्ट्रेंथ, यानी हमारे जो भी शेप हमें मिलता है तो उसी प्रोटीन से हमें मिलता है। प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज एसेंशियल टू बिल्डिंग मसल मास, यानी मैक्रो ये भी माइक्रो नहीं है, ये ज्यादा मात्रा में लगने वाला हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इट इज फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इट इज ओनली न्यूट्रिएंट्स वेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट लो, इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट 12-15% एनर्जी ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ आवर बॉडी वेट मेड अप ऑफ बाय प्रोटीन। फंक्शंस में क्या है, इट प्रिवेंट्स आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन्स, जो भी शरीर में एंजाइम्स रहते हैं जो भी तो वो प्रोटीन से बनाए वाले रहते हैं। प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट नीड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, वृद्धि एवं विकास के लिए जो भी पोषक तत्व रहता है वो प्रोटीन ही रहता है। असाइड फ्रॉम वाटर जल के सिवा सबसे जीवन हम जल को बोलते हैं, तो वो छोड़ के प्रोटीन आर द मोस्ट एब्यूडेंट यानी आवश्यक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इन द बॉडी। प्रोटीन कैन बी फाउंड इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड इज द मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल इन द बॉडी स्पेशली मसल, दिस ऑल्सो इंक्लूड बॉडी ऑर्गन्स हेयर्स एंड स्किन, यानी आपले जो भी ऑर्गन है प्रोटीन आर ऑल्सो फाउंड इन मेम्ब्रेन्स सच एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी हर एक मेम्ब्रेन में जैसे रहता है कि व्हेन ब्रेक डाउन इन टू
अमाइनो एसिड्स दे आर यूज्ड एज ए प्रीकर्सर्स टू न्यूक्लिक एसिड कोएंजाइम्स हॉर्मोन्स इम्यून रिस्पॉन्स जो सेलुलर रिपेयर एंड मॉलिक्यूल एसेंशियल जो लाइफ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में बदल कुछ घटता है तो उसको हेल्प हमारे अमाइनो एसिड के रूप में प्रोटीन ही करता है. एडिशनल प्रोटीन इज नीडेड टू फॉर्म अप ब्लड सेल ऑल्सो. तो व्हाई डू वी नीड प्रोटीन. तो एवरी सेल इन द बॉडी कंटेन्स प्रोटीन. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. You need protein in your diet to help your body repair cells, make new ones. Yani repair karke uske new mein convert kar deta hai. So protein is also important for growth and development in the children, teenagers and pregnant women also. Protein is an important component of every cell in the body. Your body use protein to build a muscle and repair. You also use protein to make enzyme hormones. Yani protein is important to building block of bone, muscle, cartilage, skin and blood. ये सभी चीजें हमारे protein से बोलते हैं. कि जैसे हम देखते हैं कि emergency जो energy पैदा होता है तो protein is not your first or second choice for emergency energy role reserved for the car. तो ये कौन करता है कि carbohydrate जो हमने देखा है तो energy पैदा करता वो. फिर बाद में जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का इंसुलिन के द्वारा कन्वर्ट होकर फैट में कन्वर्ट होता है तो दूसरा वो फैट के ऊपर लोड आता है. फिर जब फैट पूरा कम हो जाता है तो पूरा लोड फिर बाद में अपने प्रोटीन पे आता है. इन इमरजेंसी बॉडी कैन बैंक अपॉन दिस सोर्स. फिर बाद में प्रोटीन यूटिलाइज हो जाता है. तो मसल बिल्डर जो है तो फॉर साइज एंड शेप ऑफ योर मसल एज यू लूज वेट प्रोटीन प्रिवेंट यू फ्रॉम लूजिंग मसल. इफ यू लिफ्ट वेट फॉर स्ट्रेंथ प्रोटीन इज द की टू बिल्डिंग मोर मसल्स. मोर मसल्स अगर हमें अच्छे तगड़े बनने चाहिए तो हमें मसल की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है. बोन स्टेकनर बोन अगर जैसे बोलते हैं ना कि कमकोत बोन रहेंगे तो दो आदमी जहीं से गिरते हैं किसी का फ्रैक्चर होता है किसी का नहीं होता तो उसका बोन डेंसिटी अच्छी रहती है. तो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट इम्प्रूव योर बोन हेल्थ लोअर योर चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट्स फ्रैक्चर. तो वैसे ही बूस्ट योर इम्यून सिस्टम. प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स आर की प्लेयर्स इन इम्यून सिस्टम. जो इम्यून सिस्टम से जो टी सेल्स बी सेल्स एंटीबॉडी जो रहते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल में तो वो अमाइनो एसिड ही उसको बनाते हैं और वो की यानी गुरु के लिए वही है कि जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए मदद करते हैं और इन्फेक्शन के खिलाफ वो अच्छी तरीके से फाइट करते हैं. प्रोटीन अगर अच्छे मात्रा में हम लेंगे तो जो हमें क्रेविंग्स होता है या क्रैकलिंग बोलते हैं उसे हम तो ये नहीं होते. जैसे क्रेविंग्स आर डिफरेंट देन ट्रू नीड ऑफ फूड. दे कम फ्रॉम योर ब्रेन नॉट फ्रॉम योर स्टमक. यानी वो हमारी गरज नहीं रहती वो हमारी इच्छा रहती है कि हम क्या करें तो वो क्रेविंग होता है. तो गेटिंग मोर प्रोटीन हेल्प कर्ब्स दिस क्रेविंग्स पर्टिकुलरली लेट नाइट वंस. यानी रात में नींद नहीं आ रही तो हम उठते हैं फ्रिज खोलते हैं उसमें चॉकलेट रहता है या कुछ ठंडा कोक रहता है आइसक्रीम रहता है ये भी जो कुछ खाने की हमें जो केक वगैरह बाकी आदत रहती है उससे हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है. लेकिन सही मात्रा में अगर हम प्रोटीन लेंगे तो ये जो क्रैकिंग है वो कम हो जाते हैं. तो जैसे भी ये फैट बर्न का भी काम करता है कि बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने की वजह से क्या होता है कि द रेट एट विच योर बर्न योर कैलरीज कैलरीज बर्न हो जाते ज्यादा योर बर्न मोर कैलरीज इवन एट रेस्ट. रेस्ट में भी जब हम रहते हैं तो हमारे ऑर्गन जो अंदर काम करते रहते तो उसमें कैलरी ज्यादा ज्यादा बर्न हो जाते और उसमें जो फैट है अपना वो यूटिलाइज किया जाता है वो कैलरी बर्न में. जैसे हम बोले कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट यूटिलाइज होता है वैसे ये हार्ट को भी हेल्प करता है. Studies on protein, particularly on the plant protein, show that protein helps blood precursors decrease LDL level. Low density जो lipoproteins जो रहते हैं कि जो cholesterol रहता है bad जो हमारे heart को तकलीफ देता है तो जो plant protein रहते हैं वो उसे कम हो जाता है. यानी हम देखते हैं कि हमारे शेखर सर बोलते हैं कि सबको जब हम चिकन खाते हैं या कुछ बाकी नॉनवेज खाते हैं तो सबको लेग पीस ज्यादा पसंद होता है. लेकिन लेग पीस में ही ज्यादा करके फैट रहता है और जो अनसैचुरेटेड फैट रहता है वो कि सॉरी जो सैचुरेटेड फैट रहता है उसमें का और उसमें भी प्रोसेस किया वाला तो उसे ट्रांस फैटी एसिड तो वो शरीर में ब्लॉकेजेस पैदा कर देता है और एलडीएल ज्यादा करके उत्पन्न होता है और वही कार्डियक डिसीज को ज्यादा करके प्रोन होता है. लेकिन हमारे प्रोटीन में जैसे प्लांट प्रोटीन बेस है वे और सोया प्रोटीन उसके बेस से ये नहीं होता. रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज हीलिंग इंजुरीज दैट इज व्हाई नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी.
It powers faster wound repair, reduce inflammation, creates new tissues at site of injury. यानी इसलिए हमारे बर्न के पेशेंट रहने दो या कुछ लगा हुआ जो मरम्मत के रहने दो पेशेंट, बीमार पेशेंट, उनके लिए ये खाना उनको भूख लगती नहीं. कौन सा भी बीमार पेशेंट अगर उसको अच्छे नींद आई तो 50% वो कवर हो जाता है. अच्छा अगर भूख लगा उसका तो 50% कवर हो जाता है. तो भूख ज्यादा नहीं लगता इसलिए खाया वाला पछता नहीं. इसलिए हमारा ये न्यूट्रिशन जो हम देते हैं तो उससे उसको रिपेयरिंग में ज्यादा अच्छे तरीके से मदद मिलता है. तो मूव न्यूट्रिएंट्स, ये ब्लड स्ट्रीम इज अ कैनल, प्रोटीन आर द कार्गो शिप्स. यानी वो न्यूट्रिएंट्स को ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है. यानी प्लाज्मा का काम वो कर देता है बॉडी में फैलने के लिए, उसे रस धातु बोलते हैं हमारे इसमें. तो कैरिंग विटामिन मिनरल शुगर कोलेस्ट्रॉल जो भी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, तो दे इवन स्टोर न्यूट्रिएंट्स एज आयरन. उनमें आयरन भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टोर किया जाता है. कैन यू गेट टू मच प्रोटीन, तो हाई प्रोटीन डाइट हैज क्लियरली बेनिफिट बट टू मच प्रोटीन हार्मफुल. जैसे बोलते हैं कि जो एनिमल प्रोटीन है वो ज्यादा करके तकलीफ दे के अपने को कॉन्स्टिपेशन या बाकी का ऐसे चीजें कर सकते हैं. लेकिन उसके साथ हम जो टारगेटेड उसको देते हैं उसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं. और एनिमल प्रोटीन हमारे यहाँ कहीं पर भी नहीं है इसलिए उसके वेस्ट जो रहता है वो ज्यादा बनते नहीं, उसकी वजह से वो ज्यादा बॉडी को तकलीफ देते नहीं. ज्यादा करके ओवरऑल वो 98 से 100% वो पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है. क्योंकि पीडेकैल जो इंटरनेशनल उसका टेस्ट रहता है वो 1% रहता है. वो अपने प्रोटीन को उसने वो टेस्ट पास किया वाला है इसीलिए उसे वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट प्रोटीन किया गया है. What are the best ways to get it? Comes in a lot of different forms. For go for healthy, low fat sources. Plant-based sources supports to be better. देखिए इसने बोला है. इसलिए हमारा सोया प्रोटीन is the best काम करता है. तो वैसे ये प्रोटीन हर इसमें यह कौन से फॉर्म में ज्यादा रहता है? तो ये essential amino acid और non-essential amino acid. ये दो टाइप के प्रोटीन इसमें ज्यादा करके रहता है. यूनिट ऑफ प्रोटीन इसमें भी ये रहता है. तो दोज अमोनो एसिड्स व्हिच आर नॉट फॉर्मड इन आवर बॉडी एंड वी नीड टू टेक फ्रॉम आउटसाइड, जैसे आउटसाइड से हमें लेना पड़ता है जो हमारे शरीर में पैदा नहीं होती वो इसेंशियल अमोनो एसिड्स हमारे लिए, यानी हमें गरज है. नॉन इसेंशियल अमोनो एसिड क्या है कि दोज हमारे बॉडी में पैदा होते हैं जो शरीर उसको निर्माण करता है. ये भी कब तक? 40-50 बरस तक. बाद में भी उसकी मात्रा कम कम होती जाती है जो नॉन इसेंशियल अमोनो एसिड की भी होती रहती है. तो प्रोटीन के स्रोत हमें पता है कि शाकाहारी स्रोत में क्या है, सोयाबीन है, दूध है, मसूर, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज ज्यादा मात्रा में है. मांसाहारी स्रोत में क्या है? मांस है, मछली है, अंडा है, या एक प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हो. तो प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य हमने तो देखे, सेल, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यू जो है उसको मरम्मत निर्माण करना, आवश्यक पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी देता है. प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियां, हड्डी, इसके भी विकास को, अनुवांशिक लक्षणों के विकास या नियंत्रण करने को भी ये काम करता है और कंडक्शन में भी ये करता है. तो क्या होता है कि हमारा जो थोड़ा सा एकदा नेटवर्क चेक करा, थोड़ा सा वीडियो स्टक झाला होता तुमचा. यस यस यस, अभी आया था. आताचा सेंटेंस परत रिपीट करा. यस यस. तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य हमने देखे हैं. तो जैसे प्रोटीन कमी से होने वाले जो भी कुछ बीमारी है तो ये दो देखेंगे हम कि बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उसको क्वैश्चरकर और मैरास्मर नाम का यानी बीमारी हो जाती है, रोग बोलते हैं उसे. कि जैसे क्वैश्चरकर में इस रोगों में बच्चों का हाथ पाव दुबला पतला हो जाता है, जैसे पेट बाहर आ जाता है और निकल जाता है. जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हाथ पाए दिस्ती काढ़ा पोटे भाषे से नगारा, ऐसी अवस्था उस बच्चे की हो जाती है. कि जैसे माल न्यूट्रिएंट्स बच्चों को हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रख के उनको अलग अलग नमूने की सुकड़ी बाकी का ये देते रहते हैं. तो लेकिन हमारा जब लोग डायग्नोस्टिक वगैरह बाकी लेते हैं तो वहाँ 3 महीने रहने की जरूरत नहीं पड़ती, 15 दिन में ही उतना रिजल्ट हमें मिल जाता है. ये हमने यहाँ पे स्टडी भी किया है. तो प्रोटीन संबंधित क्वैश्चरकर में क्या होता है कि प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा न मिलने पर होने वाले रोगों में 2 शारीरिक बनावट तंदुरुस्त संरचना बिगड़ देती है और 1 से 4 तक बच्चों में ये ज्यादा करके पाया जाता है. और जो दूसरा है मैरास्मस, इस रोगों में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, जैसे छाती का पिंजरा उसका कैसा हो जाता है, हाथ पाए भी कैसे हो जाते हैं उसको. तो ये सब प्रोटीन माल न्यूट्रिएंट्स की ये है. तो उसका वजन कम हो जाता है, उसको भूख कम लगती है, बार बार उसको अतिसार लगता है,
दांत की बनावट उसकी ठीक तरह से नहीं होती, उसका जो चेहरा है वो गोल मून शेप हो जाता है, बाल रुखे हो जाता है, बच्चा कमजोर होता है, चिड़चिड़ेपन करता है, निराश होता है, बच्चे बार बार रोते रहते हैं, ये तो हमें उसका पता नहीं चलता कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उनके शरीर में प्रोटीन कम तरह रहती है, जैसे क्रेविंग बच्चों में बार बार होता है, ये खाते वो खाते है, तो वैसे इसमें हमें समझना चाहिए कि उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है। तो वैसे ही 16 से 18 वर्ष की आयु तक लड़कों को ज्यादा ज्यादा प्रोटीन की मात्रा रहती है, जैसे हम बोलते हैं कि 1 kg को 1 gram प्रोटीन अपेक्षित रहता है, लेकिन बच्चों में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन की अपेक्षा रहती है। और इस तरह समान लड़कियों को भी ज्यादा करके लगता है, और जो गर्भवती महिला है उनको भी ज्यादा करके प्रोटीन की मात्रा 1 gram से भी पर केजी के ऊपर लगता है। जैसे कि मेरा 70 किलो वेट है तो दिन में मुझे 70 ग्राम प्रोटीन की कम से कम अपेक्षा रहती है, अगर वर्कआउट करता रहता हूं तो वो ज्यादा भी हो सकती है। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू टेक प्रोटीन, कब हमें प्रोटीन लेना चाहिए, यानी प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट ऑन द प्लैनेट। ये जो अर्थ प्लैनेट है और उसमें जो मोस्ट एडवांस मशीन इज द ह्यूमन बॉडी है हमारी, तो उसको अच्छा फ्यूल जो है वो प्रोटीन ही है। तो जैसे ही बोलते हैं कि दिस डिपेंड्स ऑन योर, यानी कब लेना चाहिए कि अपना हेल्थ गोल क्या है, फिटनेस गोल क्या है, इसके ऊपर जो हम वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या मसल बिल्डिंग चाहिए हमें, क्या मसल हमें मेंटेन रखना क्या है, कि इसके ऊपर हमें ये प्रोटीन कब लेने का है उसके ऊपर ये करना चाहिए। तो कोई बोलता है कि शुड यू टेक प्रोटीन बिफोर बेड, यस इट इज साइंटिफिकली कंक्लूडेड दैट taking protein before bed is an effective strategy, yani strategy to promote muscle building and help them adapt to exercise, yani muscle building ke liye wo acha rehta hai, uske muscle grow acche hote hai, aur dusre din jo subah mein exercise hoti hai wo achhi tarike se wo kar pata hai। jaise taking protein from bed may be an effective strategy, jaise muscle building, increase strength, improve exercise performance and recovery। and sabse zyada jo hamare jyesh nagrik rehte hai above 60, तो elderly people looking to preserve muscle mass may also benefit for taking protein before bed। उनको भी before bed से पहले रात को सोते समय यानी 7 बजे हमें खाना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना दिव्यात्वात और तोंडाथात, तो बाद में जो रात को सोते समय तो हम ये प्रोटीन का शेक ले सकते हैं कि जिससे हमें एडिशनल फायदा मिल सकता है। कुछ मिथ भी है, कुछ बिलीव भी ऐसे है कि टू मच प्रोटीन अगर लेंगे हम तो कोई बोलता है लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, तो लेकिन ये जो भी कुछ होता है उसमें तो खाली जो एनिमल प्रोटीन रहते हैं उसके जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट तैयार होते हैं शरीर में उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसमें भी अगर जो भी स्टडी किया है तो स्टडी में कहीं पर भी एविडेंस ऐसे नहीं मिले कि हमारे फोरम पर भी कि जिसकी वजह से ये ऐसे कॉम्प्लिकेशन उसके हो चुके हैं। तो ये भी कुछ ऐसा इशू नहीं है क्योंकि प्लांट प्रोटीन लेने की वजह से। द बॉटम लाइन, प्रोटीन इज एन इनक्रेडिबल वर्सेटाइल न्यूट्रिएंट्स। Sufficient protein intake can aid fat loss, build and preserve muscle। जैसे हमारा health goal जो भी है वो हम ये protein की मात्रा पे depend करते हैं, जैसे हमारे coach ने वो consume कैसा करने को बोलते हैं कि consuming protein between meals may help curb hunger। जो भी हमें बोलते हैं ना कि craving करने की इच्छा होती है वो भी नहीं होता। Maintain your health and fitness goals उसकी वजह से। Why do we take protein? तो हमने देखा है कि बाबा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल, सेल से ही हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा पूरी बॉडी सिस्टम बनती है, तो प्रोटीन टू मेक एंजाइम हार्मोन और ये सभी जो है बिल्डिंग ब्लॉक मसल कार्टिलेज स्किन वगैरह हमने देखा ही है। तो इसमें क्या लिखा है कि ईट योर प्रोटीन फर्स्ट, यानी डे शुरू होने के बाद ये प्रोटीन हम पहले ले सकते हैं क्या। तो इन एडिशनल हाई प्रोटीन इनटेक डिक्रीज लेवल ऑफ द हंगर हार्मोन घर्लिन। जो घर्लिन नाम का जो हार्मोन हमारे स्टमक में सीक्रेट होता है ये ब्रेन से स्टिमुलेशन मिलने के बाद, तो उसी से हमें भूख लगने की इच्छा निर्माण होती है और हम कुछ खाने पीने में लगते हैं। तो ये इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट आफ्टर ईटिंग एंड ड्यूरिंग स्लीप। तो ये क्या होता है कि व्हाट्स ईटिंग प्रोटीन फर्स्ट कैन हेल्प कीप योर ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल फ्रॉम राइजिंग टू हाई आफ्टर अ मील। यानी खाते ही जो हमारा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट या बाकी का सेवन किया तो इंसुलिन लेवल पीक पे जाती है। तो प्रोटीन अगर हम लेते हैं कि तो क्या होता है कि वो मेंटेन रहता है, ज्यादा क्रेविंग नहीं होती, गर्लिंग हार्मोन भी जो सीक्रेट रहता है वो कम हो जाता है, यानी हमें बार बार क्रेविंग की आदत भी नहीं हो जाती। यानी ईटिंग प्रोटीन फर्स्ट एट मील्स कैन हेल्प यू फील फुल एंड कीप ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल फ्रॉम राइजिंग टू हाई। यानी ब्लड शुगर और इंसुलिन जो खाने के बाद बढ़ता है तो वो बढ़ता नहीं है।
ऐसा उन्होंने बोला है, तो खाने से पहले हम ये प्रोटीन भी वो ले सकते हैं डायबिटीज में। इसमें क्या वो प्रोटीन शेक फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कैसा है कि अ शेक और स्मूदी कैन बी अ ग्रेट ब्रेकफास्ट डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स। मेनी स्मूदीज कंटेन अ लॉट ऑफ फ्रूट वेजिटेबल और जूस बट लिटिल प्रोटीन। उसमें क्या होता है, स्मूदी जो हम लेते हैं अलग अलग सब्जी के उसके ऊपर बाकी के जूसेस वगैरह बाकी, तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिटिव वैल्यूज कम रहते, प्रोटीन कम रहते और कैलोरी ज्यादा रहते। तो प्रोटीन पाउडर मेक्स इट इजी टू क्रिएट अ हाई प्रोटीन शेक। देयर आर सेवरल टाइप ऑन द मार्केट इंक्लूडिंग वे सोया एग एंड पी प्रोटीन्स। तो सोया एंड वी प्रोटीन्स पाउडर हैज बीन स्टडीड द मोस्ट एंड सीम टू हैव एन एज ओवर द अदर व्हेन इट कम्स टू हेल्प। यानी सोया प्रोटीन जो रहता है वे प्रोटीन वो सबसे अच्छे ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो वैसे ही वन स्कूप वे प्रोटीन अबाउट 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो रहता है तो ये सब हम ले सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट हेल्प्स यू स्टार्ट द डे ऑफ राइट, सोया एंड वे प्रोटीन मे बी द बेस्ट टाइप टू यूज। यानी हमारे शेक में यही रहता है, तो उसमें भी जो बोलते हैं ना कि ये वेगन प्रोटीन जो हमारे इसमें है, तो जैसे प्लांट्स प्रोवाइड ऑल ऑफ द इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसमें सब जो हमारे शरीर को लगते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में पैदा नहीं होते, एंड लोअर्स योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड कैंसर। यानी हम अगर एनिमल प्रोटीन लेंगे तो क्या होता है कि उससे हार्ट डिसीज और कैंसर होने की ज्यादा शिकायत रहती है, तो अपने इसमें जो भी ये प्रोटीन है वो वेगन प्रोटीन उससे फायदा हो जाता है। तो हाई प्रोटीन फूड्स क्या है, जैसे साल्मोनेला 20 ग्राम प्रोटीन पर इसमें रहता है, चिकन ब्रेस्ट जो भी है, टूना, कॉटेज ग्री जो बोलते हैं ना एग्स वगैरह बाकी, हम ये आगे देखने वाले कि जैसे भी इसमें फर्म टोफू है, लेंटिल्स है, जो भी सोया मिल्क है, ग्रीन पीज है, पम्पकिन सीड्स, क्रुएंटा इसमें बताया है, स्पिनेच किसमें कितना प्रोटीन रहता है। तो हम आगे उसके जो इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रोटीन सोर्सेस क्या है ये हम झट से देखेंगे कि जिसमें एग में, एक लार्ज एग में 6 ग्राम प्रोटीन रहता है, मोस्ट जो कट पीस जो फिश का रहता है उसमें 3.5 ग्राम का ये ज्यादा रहता है, और चिकन मीट में जो भी रहता है कि एक चार पीसेस हम लेंगे तो 35 ग्राम उसमें मिल जाता है। लेकिन सोयाबीन जो रहता है 1 कप में वो 28 ग्राम, यानी सोयाबीन जो 100 ग्राम अगर हम देखेंगे तो उसमें 52.9 पर ग्राम, जितना जबरदस्त सोया प्रोटीन रहता है। और हमारे प्रोटीन मिक्स में 65 केजी सोयाबीन से 1 केजी आइसोमर प्रोटीन उसको बाजू में निकाल के हमें दिया वाला रहता है। दूसरा जो है वो पनीर, यानी पर 100 ग्राम पनीर में 30 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है। तीसरा जो है मूंग की दाल, वो सबसे बढ़िया, 1 कप में 14 से लेके 20 ग्राम तक हमें इसमें प्रोटीन मिलता है। ये सही तरीके से प्रोटीन बढ़ा के हमारा वेट भी करती है, कि मूंग की दाल ऐसी है कि किसी को एसिडिटी भी रहेंगे तो मूंग का दाल खाएंगे तो ये तीनों ही वात पित्त कफ जो हमारे शरीर के दोष रहते हैं उसको न्यूट्रल बना देती है, और शरीर में जो कि इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंसिंग बना देती है, उससे एसिडिटी नहीं बढ़ती। जो आलमंड्स है वो 1 कप में 32 ग्राम प्रोटीन आलमंड में रहता है। जो कैश्यू नट है काजू, उसमें 20 ग्राम पर कप में रहता है। जो 1 कप मिल्क में 8 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। फिर बाद में अंकुरित अनाज जो रहते हैं कि जो मूंग आलेले वो मोड़ आलेले अपन कड़धान्य खाते तो उसमें 1 कप में हमें 15 ग्राम तक मिल जाता है। और जो पीनट्स है, जो मूंगफली हम खाते हैं शेंगदाने, तो उसमें 1 कप में 30 ग्राम तक अच्छा उसमें प्रोटीन मिलता है। और जो चना है उसमें भी 1 कप में 15 ग्राम मिलता है। तो चना ये सब हम जब क्रेविंग होती है तो थोड़ा बहुत बीच में 4-5 के टाइम थोड़ा खा सकते हैं, सुबह में नाश्ते के टाइम थोड़ा ले सकते हैं। योगर्ट जो है तो इसमें 8-12 ग्राम प्रोटीन हमें रहता है। तो देखिए अलग अलग इसमें कितना प्रोटीन रहता है इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिखा है, तो आप ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं कि किसमें कितना प्रोटीन ज्यादा होता है। अगर हम फिश में देखेंगे तो टूना फिश जो है उसमें 25.6 ग्राम जो 100 ग्राम में ज्यादा रहता है, मंकी फिश में, बाकी सनफ्लावर सीड्स में भी अच्छी तरीके से रहता है, और क्रैब मीट में भी जो रहता है केकड़े का उसमें भी 18.1 ग्राम रहता है। तो ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा अलग अलग इसके रहते हैं। और इसमें पास्ता में भी है, कॉटेज चीज में 12.2 है, टोफू, होल ग्रेन ब्रेड्स रहते हैं, तो ये ब्राउन राइस में 6.9, 5.9, योगर्ट, ब्रोसिली जो है 4.2, होल मिल्क जो है इसमें सब हमें, एवोकाडो
1.9 ग्राम, बनाना जो है बनाना में 1.2 ग्राम प्रोटीन रहता है, अपना जो ऑरेंज रहता है उसमें 1.1 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है। तो पालक जो रहता है अपना स्पिनच उसमें भी 2.8 है, पोटैटोज में 2.1 ग्राम जो रहता है कि वहां पर जैसे रताड़ा पोटैटोज ये उकड़ के जब लाते ना तो अगर खाएंगे तो उसमें अच्छा प्रोटीन मिलता है, लेकिन वो उसका फ्राइड बना के खाएंगे, चिप्स बना के खाएंगे, फिंगर चिप्स बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, वो ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट होकर शरीर को तकलीफ देता है। तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो इसका भी आप ले सकते हैं कि जिसमें हाई प्रोटीन फूड सॉर्टेड बाय टाइप्स अलग अलग, इससे अभी हमने ये सब थोड़ा बहुत देखा है। हाई प्रोटीन फूड सॉर्टेड बाय टाइप्स, इसमें भी हमने ये नट्स में क्या है, चिकन, इसमें भी हमने ये देखा है अभी ज्यादा करके। तो इसमें क्या है कि तीन अगर हमें बताया जाए कि गुड प्रोटीन कौन से है और तीन बैड प्रोटीन कौन से है, अगर हमने बोला है तो बीन्स लेजुमेंस में जो मिलते हैं वो सबसे टॉप को आते हैं, और फिर एग्स में आता है, फिर सी फूड में ज्यादा आता है, तो जैसे सोयाबीन में वगैरह बाकी, तो पहले ये और सी फूड। फिर बाद में बैड प्रोटीन जो है पोर्क सॉसेज यानी जो सुअर का मांस बोलते हैं, बाकी का ये जो बोलते हैं ना, तो वो बैड इसमें आता है। रेड मीट जो बड़े इसका रहता है वो भी उसमें आता है, और प्रोटीन बार जो बनाए वाले रहते हैं वो भी रेड मीट से या पोर्क से बनाए वाले रहते हैं, तो वो भी नहीं खाना चाहिए, ये टॉप इसमें आ जाता है। आपने ये थोड़ा सा एक हाईलाइट देखेंगे दो तीन मिनट में कि जो रूबिस्को या अलग अलग नमूने के जो प्रोटीन्स रहते हैं प्लांट में, तो ये रूबिस्को नाम से ये प्लांट में बनाया वाला रहता है। जो इंसुलिन हम लेते हैं ना, ये भी एक प्रोटीन का ही पार्ट है, जिसे सिक्रेटेड बाय बीटा सेल इन द पैनक्रियास एंड ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, जो भी रहता है ये इंसुलिन भी प्रोटीन का ही एक है। रोडोपसिन में जो भी अपने आईज को द रॉड सेल्स सेंड्स अ नर्व इंपल्स टू द ब्रेन, जो हम देखते हैं बाकी का देखने की दृष्टि है वो भी प्रोटीन पे डिपेंड करती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना प्रोटीन। आपको पता चलेगा कि ये जो स्पाइडर सिल्क है, ये स्पाइडर सिल्क भी प्रोटीन से बना रहता है, ये जो स्ट्रॉन्गर रहता है बहुत। तो क्या होता है कि जब ये सिल्क बनाती है ये मकड़ी, तो जब अगर उसको खाना बहुत दिन से नहीं मिलता तो क्या करती है कि उसने बनाया वाला जाल खुद खा देती है थोड़ा बहुत, क्योंकि उससे उसे प्रोटीन भी मिल जाता है, यानी दोनों भी उसको चीजें हो जाती है, उसमें कुछ भक्ष्य भी मिलता है और ये भी। और जो कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन के ऊपर भी हमारे स्किन चैलेंज में हमारे डॉक्टर टीम अच्छी तरीके से गाइड करती है, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर रहता है। तो ये कोलेजन से जो टीथ बोन जो स्ट्रॉन्गर रहता है, हमारा स्किन जो टेंडॉन्स वगैरह बाकी रहते जो टूटते नहीं है, तो वो प्रोटीन से बने रहते हैं, उसको कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं। जो हमारी इसमें स्किन बूस्टर जो है, तो ये स्किन बूस्टर में ज्यादा करके कोलेजन हमें ज्यादा करके मिलता है, और उससे हमें मिलता है कि जैसे ये कोलेजन जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता रहता है कि उसके वजह से स्किन बोन्स टीथ लेंडर टेंडॉन्स मसल्स बाकी ये भी सब है, तो 90% ऑफ स्क्लेरा जो ये कोलेजन से बनता है, 80% टेंडॉन्स कोलेजन से बनते हैं, 70-80% जो पूरा स्किन है अपनी वो कोलेजन से बनती है, कार्टिलेज जो रहते कान के अपने हाथ के मसल भी रहता है उसमें भी ये प्रोटीन का जो प्रोडक्ट है कोलेजन वो हमें इंपॉर्टेंट पड़ता है, कि जिसकी वजह से हमारा स्किन अच्छा होता है, प्रिवेंट रिंकल्स, रिड्यूस स्कार्स, इंप्रूव द स्किन मॉइस्चर, प्रिवेंट लूजनिंग ऑफ द स्किन, यंगर दिखते हैं हम, वो त्याच्यावर सुरकुत्या खड्डे बाकीच्या गोष्टी पडत नाहीत, यानी स्किन बूस्टर अपना कितना अच्छा काम करता है। तो इसलिए ये सब देखने के बाद हमें तो पता है कि हमारे शरीर को जो हमारे खान पान में 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 30% प्रोटीन चाहिए, 30% फैट चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, थोड़ा बहुत रेस्ट एक्सरसाइज ये सब हमें फाइबर्स ये चाहिए। तो ये सब देख के ही हमारे इसमें एक साइंटिस्ट ने जो भी है जो वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है, तो वर्ल्ड क्लास उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसे हम नोबेल प्राइज विनर जो हमारी टीम है उन्होंने ये बनाया है कि जो आइडियल मील रिप्लेसमेंट जो है सोया प्रोटीन बेस्ड जो हम बोलते हैं उसमें लो इन कैलोरी लो इन फैट लो इन सोडियम और इसमें 19 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स रहते हैं, यानी और कोर प्रोडक्ट ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो सेल और न्यूट्रिशन करता है, सेल से टिश्यू ऑर्गन बनते हैं, पूरे ऑर्गन का न्यूट्रिशन इससे होता है, इसकी वजह से वो जो ऑर्गन हमारे शरीर के रक्षक है उनको अच्छा अगर हमने न्यूट्रिशन दिया तो वो रक्षक ही हमारा रक्षण करते हैं और इम्यूनिटी से हमें कौन सी बीमारी से हमें दूर रखते हैं। तो वैसे ही एक हर एक शेक मिक्स में एक सर्विंग में 90 kcal इसमें होता है, और सबसे ज्यादा ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम रहने की वजह से ये इंसुलिन भी ज्यादा सीक्रेट नहीं करता और ये ज्यादा लॉन्ग टर्म हमें फायदे में रहता है। तो ये जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट टू योर डेली वर्क, जैसे सोया एंड वे प्रोटीन, वे प्रोटीन हमारे
इसमें है, और जो दूसरा हमारे दूध से बनाया वाला प्रोटीन रहता है वो कैसीन प्रोटीन रहता है, तो वो डायनोशेक में है, जिसकी वजह से वृद्धि होती है और ये प्रोटीन से थोड़ा फैट लॉस होने में मदद हो जाती है। He has 9 essential amino acid, ये फैट फ्री रहता है, और एन एवरेज एडल्ट रिक्वायर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मेंटेन लीन मसल मास, कंट्रोल हंगर एंड बर्न फैट, इसका ये सब है। तो देखिए कि विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन हेल्प्स यू फील फुल एंड कीप यूर फ्रॉम गेटिंग हंगरी, यानी प्रोवाइड्स 5 ग्राम ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन पर सर्विंग। सोया प्रोटीन आइसोलेट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, इसे बोलते हैं ना हमने कि PDCAS, ये क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, ये इंटरनेशनल स्कोर रहता है कि जो प्रोटीन के बारे में उसका टेस्ट किया जाता है तो वो 1% ही आना चाहिए, तो वो 1% अपना है, इसलिए इंटरनेशनल क्वालिटी का अपना जो यूनिट रहता है उसमें भी ये पास हो चुका है, इसलिए वर्ल्ड नंबर 1 उसे प्रोटीन का दर्जा दिया है। तो ये पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो है वेल नोन हाई क्वालिटी हेल्थ सपोर्टिंग फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सोया प्रोटीन और ये प्रोटीन जैसे उन्होंने बोला है, मेंटेन एनर्जी लेवल बिटवीन द मील्स, और ये ज्यादा करके ये क्या करता है कि फर्स्ट आवर में यहाँ में का जो भी कार्बोहाइड्रेट वो रिलीज होता है, 2 से 3 आवर्स में इसमें ये एनर्जी प्रोटीन का रिलीज होता है, और इसमें थोड़ा बहुत जो भी कुछ कॉम्बिनेशन है उसे 3 to 4 आवर्स तक हमें फिट एंड फाइन लगता है, कौन से ही प्रकार की हमें हंगर क्रेविंग की इच्छा नहीं होती। तो वैसे ही ये हमारा मसल हाई क्वालिटी सोया प्रोटीन प्रोवाइड्स बेनिफिट दैट गो बियॉन्ड मसल एंड मेक्स इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन, यानी ये हमारे ज्यादा करके जैसे बच्चों में मैंने बोला था कि डायनोशेक उसमें 17 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड किए गए, इसमें कैसिन प्रोटीन ज्यादा करके मिलता है, जो भी बच्चों में 18 बरस तक उसका बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए, अगर कौन सी बड़ी बिल्डिंग बनने की रहेंगी तो उसका जो बेस रहता है वो अच्छा, उसमें सीमेंट वालू जो भी कुछ है उसमें अगर अच्छा हम करेंगे तो उसका ये अच्छा हो जाता है, तो हमारे शरीर को जो भी कुछ चाहिए तो इसमें मिलता है, और बच्चे ज्यादा करके ग्रो तो सब भी हो जाते हैं, और जो भी कुछ हमारे खान पान में से इसमें से नहीं मिलता तो ये हमारे इसके ऊपर जो फॉर्मूला जो बोलते हैं कि मल्टीविटामिन है इसमें से 20 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, और वेट मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से हो जाता है, ओवरऑल हेल्थ हमारा अच्छा रहता है, और स्ट्रेंथ ऑफ इम्यूनिटी ये भी रहता है, और जो भी हम खान पान अच्छी तरीके से नहीं लेते रहेंगे तो भी इससे हमारे शरीर को अच्छी तरह से मिलता है, और ये जो भी कुछ हम अलग अलग नमूने के प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको सेल को सेंसिटाइजेशन करने के लिए ये सेल एक्टिवेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डायबिटिक पेशेंट अगर लेता है तो वहां पे इंसुलिन के लिए वो सेंसिटाइजेशन कम हुआ रहता है, तो सेंसिटिविटी उसकी सेल की बढ़ा देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो खाने को मांगते हैं, तो हम जब न्यूट्रिशन देते हैं तो अच्छी तरीके से वो हर एक सेल की तरफ पहुंचता है। तो वैसे हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और हमारे उसके ऊपर ये सब अच्छी तरीके से अच्छा ज्यादा मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और किसी को कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। यस, थैंक यू डॉक्टर आनंद मोरे सर, बहुत ही अच्छा आज जानकारी दिया है, जो कि आज का आखिरी सेशन था, और ओवरऑल सभी बातों का जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन किस चीजों में है, क्या लेना चाहिए, सब कुछ ईच एंड एवरी सभी आपने बताया, और गारंटेड हमारे जो पार्टिसिपेट है उसका वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और करेंगे लाइव में, यानी तुम्ही जी ही शिदोरी दिली, ही शिदोरी 21 दिवसाची शिदोरी ऑल डॉक्टर्स टीम ऑल जे सीनियर्स लीडर्स, सो ये शिदोरी लेके तो ये वेट मैनेजमेंट करेंगे, और इनको तो अभी आ गया समझ में कि यार हम लोग वेट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मेरे तो समझ में आ गया, क्योंकि मैं भी 21 डेज में पार्टिसिपेट है, लेकिन शुरू के 10 दिन पूरा चीटिंग किया। ओके, ओनली जो अभी रिमेनिंग 11 दिन है उसमें मैं 4 kg कम करूंगा 11 दिन। ओके, तो आज का मेरा चौथा दिन, तो मैं तो करने वाला हूँ, आप भी हमकास करोगे, और वो ये जो कंपटीशन होता है ना, 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम्स पे भी होता है, पॉइंट में भी होता है, तो आप ध्यान में रखना है, ज्यादा जो भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि प्रॉपरली फॉलो करना है, कोच के टच में रहना है, क्योंकि आपके आखिरी के 5-1 दिन रह गए हैं, सो आप लोगों ने कोच के टच में रहना है, क्या खाना है क्या नहीं, जैसे सर ने बताया SMS प्रोग्राम MIW में हम लोग सीखे हैं वो भी फॉलो करना है,
अगर क्रेविंग होती है या शरीर को प्रोटीन की जरूरत है तो क्या लेना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। सो दो तीन दिन जो है चीटिंग मत कीजिए, क्योंकि शादी का सीजन है, हमें सब पता है, लेकिन थोड़ा सा आप प्रॉपर फॉलो कीजिए, क्योंकि 21 दिन के बाद में जिस दिन आपका 21 डेज खत्म होगा उस दिन आपको जो खाना है खाओ, नॉनवेज खाना है खाओ, कुछ मस्त गुलाब जामुन खाना है खाओ, और शाम दूसरे दिन वही मॉर्निंग पे आपने वेट करना है, तो आपका 1 ग्राम भी वेट नहीं बढ़ेगा, 1 ग्राम भी वेट नहीं बढ़ेगा। आप अगर प्रॉपरली करते हो 21 दिन, और 21 दिन में जिस दिन चीटिंग करोगे आप दोपहर में खाओगे सब गुलाब जामुन जो पेड़ा लोट, हम क्या करते थे, स्वीट का शॉप था हमारा वहां सामने, हम 21 डेज का वेट देते थे, मस्त लाता था ढोकला जिलेबी वगैरह और हम सब मिल बांट के मस्त खाते थे, और पूरा एकदम, और बीच घर पे जाने के बाद मस्त पसंदीदा खिचड़ी बनाने को बोलते थे, है ना, तो एकदम वो भी खा लेते। तो दूसरे दिन अगर हम वेट करते थे तो कुछ भी वेट बढ़ा नहीं था, वैसा ही रहता है। ओके, एक दो बार चीटिंग करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार करोगे तो 100% आपके सेहत पे असर होगा। ये जो आपको लाइफस्टाइल दी गई है 21 दिनों की ये 5 सेशन में, ये आपने ही तुमची आयुष्य भराची सिदोरी, ये आपने साथ में रखना है, और ये साथ में रखे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर से वही बढ़ जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच मिस्टर आनंद मोरे सर, डॉक्टर सर। ओके, सो वेरी थैंकफुल, बहुत ही अच्छा आपने डिलीवर किया। किसी का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो हम कॉल एंड करेंगे, और अगर हैंड रेज नहीं है तो ऐसा समझेंगे जो हमारी टीम ने पूरा डिलीवर किया है, आप लोगों के 100% समझ में आ गया है। ओके, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, सिर्फ विनोद पाटिल सर ने डाला है सर, वही क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है तो सबकी समझ में आ गया हो। ओके, सो सर यू आर टोल्ड सोयाबीन एंड मक्का आर नॉन सोलिबल कार्बोहाइड्रेट, एंड वन साइड यू आर टोल्ड एज इट्स अ गुड प्रोटीन सोर्स, शैल यू एक्सप्लेन डिटेल, वी विल टेक इट और नॉट, खाल्लं पाहिजे का नाही? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कि कैसा है कि हम जो प्रोटीन लेते हैं, मैंने बोला है कि 65 kg जो 65 kg जो सोयाबीन रहता है उसमें से जो भी एक्सट्रैक्ट रहता है जो सॉल्युबल है, जो हमारे डायरेक्ट न्यूट्रिशन जो देता है, वो 1 kg आइसोमर हम प्रोटीन का बाजू करते हैं, तो वो फिर वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रेविंग ज्यादा 4 घंटे तक हमें बॉडी में अच्छी तरीके से भूख लगती नहीं और बॉडी पूरी तृप्त हो जाती है और न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मिलता है। तो उसमें वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन 1 घंटे तक अच्छा काम करता है क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की वजह से अच्छी तरीके से शरीर को एनर्जी देता है, फिर बाद में लॉन्ग टर्म जो एनर्जी रहती है तो वो हमें सोया प्रोटीन से मिलती है, और उसकी वजह से पूरा अच्छी तरीके से हमारी बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है और शरीर को ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो भी हमारे शरीर की मरम्मत है वो अच्छी तरीके से उससे बन जाती है। ओके, और एक सवाल है सर, मेरे को पर्सनल आया है या मेरा भी हो सकता है, अगर मैं अभी 21 डेज में पार्टिसिपेट हूँ, मैं 2 टाइम शेक ले रहा हूँ, तो रात में क्या हो जाता है, किचन में जाने का थोड़ा सा पैर उधर चले जाते हैं किचन में, और जो कुछ भी दिखा है, भजिया है या खिचड़ी है या रोटी है, कभी कभी ऐसा होता है कि यार चलो यार एक चतुर तो खा लेते हैं, तो ऐसा होता है, तो उसका यानी कारण क्या है, क्योंकि 2 स्पून प्रोटीन भी ले रहे हैं फिर भी रात में ऐसा हो रहा है, तो फिर अगर वो चने है तो हम लोग मुठ भर चने खा लेंगे या 5 बादाम खा लेंगे, लेकिन रात में तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने चलो मेरा ही क्वेश्चन जन, तो मैंने आधा चपाती खा लिया, सो ऐसा जो क्रेविंग हो रहा है तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं? प्रोटीन का नीड आपके शरीर का कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन का क्वांटिटी शायद आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो आप 2 TSF ले रहे हो, अगर आपका वेट जो है वो अगर 80 kg के दरमियान है या 60 kg के ऊपर है, तो आपको प्रोटीन का क्वांटिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर आप रात में अगर समझो आपको भूख लगी तो आप ओट्स भी खा सकते हो, ओट्स को पकाने के बहुत सारा टाइम नहीं लगता है और उसको पकाने के लिए कोई मदद के लिए भी नहीं लगता है। तो रात में झगड़े हो गए थे, ओट्स मुझे मिले ही नहीं किचन में, कुछ भी जरूरत नहीं, ओट्स पकाना बहुत ही आसान चीज है, तो आप वो भी खा सकते हैं। ओके ओके,
या फिर एप्पल खा सकते हो सर आप कुछ ओके फ्रूट वगैरह कुछ भी ले सकते हो यस ओके ओके ठीक है और किसी का कुछ क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा मूड आने ले कड़धान्य ना वो भी रखना चाहिए अगर कुछ क्रेविंग हुआ तो वो भी खा सकते हैं वटाने फुटाने जो भी रहते हैं वो भी थोड़ा बहुत वो तो मॉर्निंग में खा लिया था सर एक्चुअली वेरी नाइस हां थोड़ा सा वो भजे दिख गए तो कैसे तो हो गया मुझे ओके यस थैंक यू खा सकते हैं सर भजे आप सुबह शाम तो प्योरली फील लेने का सर मैम यानी सुबह से लेके अभी तक घर पे नहीं गया हूँ मॉर्निंग की जो वर्कआउट किया तो अभी तक घर पे नहीं वही टी शर्ट पे बैठा हूँ ओके तो कुछ आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था सो कितना टाइम शेक लिया आपने दादा मैंने टू टाइम शेक लिया स्किन बूस्टर लिया हाइड्रेट लिया रिबो स्ट्रेंथ लिया और ताक लिया टू बॉटल्स ताक भी लिया मैंने एकदम ताजे तवाने दिख रहे हैं मतलब एकदम आपका स्किन भी अच्छा दिख रहा है पूरी तरीके से आप हाइड्रेट हो इसके लिए और फुटाने थे फुटाने तो फुटाने भी खाया मस्त दो दो तीन और पांच छह बादाम भी खा लिया जब जब मुझे लगा कुछ चाहिए और आप बात कर रहे थे तो मैंने वो ये भी खाया घर से पार्सल आया तो उनको थोड़ा सा मेरा ये आ गया तो उन्होंने ये भेजा था क्या तरबूज तो तरबूज Yes. यानी मैडम के ऊपर की डिपेंडेंसी भी आपकी कम हो गई और मैडम भी खुशी रहती रहेंगी उनको कांदा कट करना ये करना उनको सुबह में चाय क्या बोलते हो सो नाश्ता बना के देना ये सब उनके पीछे की झंझट कम हो गई अपने कॉल पे की सब लेडीज खुश है क्योंकि अभी उनको ब्रेकफास्ट बनाने की झंझट नहीं रही बराबर बराबर यस यस शीतल जादव मैडम आपका कुछ क्वेश्चन है आपने क्या आप इतना शर्मा क्यों रहे हो आपने हैंड रेज किया और बाद में और डाउन कर दिया तो पूछ लीजिए दिल में मत रखिए मैंने जैसा दिल खोल के बता दिया आप भी बताइए आपके साथ कुछ किस्सा हुआ होगा सर मला ये विचारायचं होते कि आवाज येले माझा हो तुमचाच आवाज आहे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर आपण आता सांगितले की प्रोटीन आपल्याला पोटॅटो मधून पण मिळते शेंगदाणे मधून पण मिळते मग आपण जी G20 डे मध्ये भाग घेतो मग शेंगदाणे ते का खायचं नाही मला असं क्वेश्चन पडला कारण त्याच्यातन पण प्रोटीन मिळते आपल्याला मग मोड आलेली उसळ तेच का खायची वरले शेंगा ते पण खाल्ले तर चालतील का असं का म्हणजे ही का ही केले असं मला हे वाटले कसं आहे मॅडम शेंगा ज्या आहेत त्याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये फॅट असतं त्याच्यामुळे आपण शक्यतो रिकमेंड करत नाही शेंगदाणे खाणे तर तुम्ही कधीतरी आठवड्यातनं एकदा जर शेंगदाण्यांना मोड आणून जर खाल्ले तर त्याची क्वालिटी बदलते त्याचं न्यूट्रिशन बदलतं तर तशा पद्धतीची उसळ तुम्ही खाऊ शकता ओके आणि आणखीन काय विचारलं तुम्ही आणखीन काय नाही खायचं आता वांग आणि बटाटा जसं की तुम्हाला माहितीये बटाटा केळी आणि आंबा हे आपण ना वेट गेन वाल्या लोकांना खायला सांगतो बटाट्यामध्ये तुम्हाला जसं की माहिती तर त्याच्यामध्ये स्टार्च असत तर त्याच्यामुळे ते वेट गेन करतं म्हणून आपण 21 days वेट लॉस मॅरेथॉन वाले जे पार्टिसिपेंट्स असतात त्यांना त्यांचं टार्गेट अचीव होईपर्यंत आपण त्यांना नको म्हणून सांगतो पण कधीतरी ते खाऊ शकतात असं काही प्रॉब्लेम नाही आपले काही एवढे स्ट्रिक्टली रूल नसतात मी जसं आपल्या फॅमिलीला जोडले तेव्हापासून वांग आणि बटाटा घरातच नाही आणलं मग ते बटाटा पण वा दुपारी खा आणि सकाळ संध्याकाळ आपला शेक घ्या हो हो चालेल यस कल्पना मॅम आपका क्या क्वेश्चन आहे सर आंब्याचं झाड आमच्या दारासमोर पण मी कैरी खाते चालत नाही का मग कैरी किती खाणार आहे तुम्ही खाऊन खाऊन अर्धी पाव दोन एकर ते फोडी चालतंय मॅडम चालतंय का yes. मी पण एक खाली गावाकडे गेलो होतो मी पण एक खाली एक ठीक आहे 21 दिवसात रोज तोडलेले असताना मग असं वाटतं दोन तरी फोडी खा त्याला थोडस हळद मीठ लावून तुम्ही दुपारच्या वेळेमध्ये खाऊ शकता हो तसंच करते तसंच खाते मीठ आपलं सैंधव मीठ लावा नाही तेच वापरते आता आपल्या फॅमिलीत आल्यापासून बेस्ट बेस्ट कल्पना मॅडम 21 days मध्ये आपण थोडस जरा आपल्याला लक्ष द्यायला लागेल जरा हो सर मध्ये थोडं स्ट्रक झालं होतं लग्नामुळे ठीक आहे ठीक ओके ओके यस थँक्यू रमा मोरे मॅडम आमच्या आपल्या बाजूनी असतात नेहमी
है ना, थोड़स खा, म्हणजे खाऊ नका असं नाही म्हणत, थोड़स खा. ओके, सो थैंक यू रमा मैम, थैंक यू आनंद सर, खूब छान सेशन झालं, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ. वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, और ये अच्छा नॉलेज आपने डिलीवर किया. ये दोनों के लिए एक सॉन्ग, अभी सर के लिए जो फेवरेट सॉन्ग है वो. ओके यस, और आप अपने कोच के गाइड कांटेक्ट में रहिए, कुछ आपको वो टिप्स दे सकते हैं, यानी टू टाइम कुछ यानी टू टाइम भी शेक ले सकते हैं ना. मैंने तो आज तीन टाइम लिया, वो भी बोलना भूल गया, दो नहीं तीन टाइम लिया मैं. ओके, मैं ऑफिस पे ही था इसलिए. ओके यस, ओके सो मुखर भोस्य मृगेन्द्र सुगर्जना सबल मत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिन रात सदृशो बलवानयम् समनुजो हि नृसिंह वरस्तथा मिलेंगे अपने रिस्पेक्टिव कॉल पे मॉर्निंग 6:15 बजे एंड देन ओके एंड इवनिंग में तो लेडीज का कॉल रहता है. ओके सो मिलते हैं मॉर्निंग में वही जोश के साथ और प्रॉपर फॉलो कीजिए. और डॉक्टर प्रवीण सर भी आ गए, वो भी हमेशा हम स्किन का सेशन भी है दादा, कल स्किन का सेशन है इवनिंग में. अच्छा कल इवनिंग को 9 PM ना. ओके कल इवनिंग में स्किन का सेशन है, जो स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट है उन्होंने वहां ज्वाइन होना है. ओके सो थैंक यू डॉक्टर आनंद मोरे सर, डॉक्टर रमा मोरे मैडम, यस डॉक्टर प्रवीण सर, अच्छी सी स्माइल देने के लिए थैंक यू ईच एंड एवरीवन. थैंक यू भारती एंड शेखर सर, थैंक यू कॉल इन.